अध्याय 1501 से 1505 ईश्वर क्षेत्र अभिज्ञा युवानबा के लिए अनुपयुक्त था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि शैतान देवता जल्द ही लौटने वाले थे। वर्तमान स्थिति में बहुत सारे अप्रत्याशित कारक थे जो इसे एक अच्छा विचार बनने से रोकते थे। उनका मानना था कि 2 साल फिलहाल एक स्वीकार्य वादा है। ज़िया युवानबा के जाने के कुछ समय बाद ही एक अन्य व्यक्ति ने दूर से उसकी ओर दौड़ते हुए उसे पुकारा, काफी समय से नहीं मिले भाई युन। इन दिनों आपके साथ बैठक की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति आया था वह दिखने में स्मार्ट, सुंदर और दृढ़ निश्चय युवक था। वह कोई और नहीं बल्कि सुपरिवार के युवा पितामह सुझिझान थे। उन दिनों में जब वह ड्यूक हाई की सेना से लड़ रहा था, सुझिझान ने युचे के साथ लड़ाई की थी। वह 12 अभिभावक परिवारों की युवा पीढ़ी के बीच युनचे के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। भाई झिझान, तुम भी आए? युनचे निश्चित नहीं था कि स्थिति पर हंसे या रोए। हाहा, सुझिझान जोर से हंसते हुए आसमान से नीचे गिर पड़े और बोले, सीनियर जियो, बिग ब्रदर युन के बिना आप नहीं होते। इसका ये भी अर्थ है कि सीनियर जियो संपूर्ण भ्रामक दानव क्षेत्र का हितैषी है। मैं शाही परिवार के अभिभावक के रूप में उनके जन्मदिन में कैसे शामिल नहीं हो सकता? युन चे ने कहने से पहले एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लगता है कि आप यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी को बधाई देने से ज्यादा कुछ करने के लिए आए हैं, क्या मैं सही हूँ? मुझे पता था कि मैं इसे आपसे छिपा नहीं सकता भाई युन, सुझिझान ने कहा, इससे पहले कि उसकी मुस्कान कुछ संयमित हो जाए। मैंने सुना है कि आपकी बेटी कुछ ही महीनों में 15 साल की हो रही है और कुछ ही समय में शादी की उम्र तक पहुँच रही है, 1 दर्जन या इतने महीने। युचे, मेरा बेटा हनलो अभी 18 साल का हो गया है और उसकी प्रतिभा पूरे इल्यूसरी डेमन दायरे में बेजोड़ है। उसका सुपरिवार का मुखिया बनना तय है, इसलिए परिवार उसकी भावी शादी को लेकर बेहद चिंतित है। अब तक आपकी बेटी के अलावा किसी की नजर मेरे दादा और पिता पर नहीं पड़ी, इसलिए सुपरिवार मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और युन परिवार में शामिल होना चाहता है। युचे ने शांति से कहा। उनका चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था। ये बिल्कुल सही है, सुझिझान ने सिर हिलाया। वह और युचे मिलनसार दोस्त थे और यु परिवार और सु परिवार एक ही पक्ष में थे और सामाजिक स्थिति के मामले में एक दूसरे से मेल खाते थे। हालांकि किसी अन्य व्यक्ति में युचे को शादी का प्रस्ताव देने का आत्मविश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन सु परिवार को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मम्मा, युचे ने सुझिझान के पीछे उंगली दिखाने से पहले एक बार सिर हिलाया। फिर उसने धीरे से कहा, बाहर निकलो। बाहर? मैं? सुझिझान ने सोचा था कि युचे उसे धीरे से ठुकरा देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगा। वह बस कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे युचे की ओर से हत्या के इरादे का एहसास हुआ। युनचे की हत्या का इरादा किसी अन्य से भिन्न था। इससे निडर सुझिझान थोड़ा सिकुड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, उस स्थिति में हम भविष्य में इस बारे में फिर से बात कर सकते हैं। बोलो अपनी गांड, अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, युचे गुर्राया। उद्धरण चिन्ह ... फिर मैं सीनियर जियो से मिलने जाऊंगा। सुझिझान ने एक कदम पीछे की ओर उठाया जबकि ठंडे पसीने ने उसे ढंक दिया। इंतजार, युनचे ने अचानक उसे बुलाया। सबसे पहले सुझिझान ने सोचा कि युचे ने अचानक अपना मन बदल लिया है, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, कृपया डायमंड इंपीरियल सिटी में सभी को बताएं कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति का पैर तोड़ दूंगा जो मेरी बेटी को फिर से शादी का प्रस्ताव देने की हिम्मत करेगा। ...1% सुझिझान ये सुनकर हवा की तरह दौड़ी। पफ्फा, इससे पहले कि जियोलिंगशी युचे के पास आए और कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आखिरकार आप और यंग मास्टर सु अच्छे दोस्त हैं। हम्फ, अगर हमारी दोस्ती न होती तो मैं पहले ही उसकी टांग तोड़ चुका होता। उसकी मेरी बेटी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? युचे ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे किसी ने उसके उल्टे पैमाने को छू लिया हो। तकनीकी रूप से सु परिवार और युन परिवार डायमंड इंपीरियल सिटी में सामाजिक स्थिति के मामले में सबसे अधिक मेल खाते हैं, जियोलिंगजी ने कहा, जो सच था। ब्लू पोल स्टार पर सु परिवार उन बहुत कम परिवारों में से एक था जो यु वुक्सिन के योग्य थे। मेरी गांड इसके लायक है, वह सोचता है कि उसका छोटा बच्चा मेरी बेटी के लायक है। सपने देखते रहो, युचे ने बेरुखी से परेशान किया। वुक्सिन कुछ वर्षों के लिए उसके पक्ष में लौट आया था और कोई उसे उससे दूर ले जाना चाहता था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, केवल विचार ने ही उसके पेट में एक नामहीन आग जला दी। जब जियो लिंगशी ने युचे को गुस्से से आग बबूला होते देखा तो उसने फिर से अपना मुंह ढक लिया। ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ,
मुझे यकीन है कि यूचेन और मेरे माता पिता भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे, यूचेन ने नाखुश होकर कहा। उसने जियो लिंशी की ओर देखा और अचानक उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। फिर उसने किनारे की ओर देखा और एक ध्वनि प्रसारण भेजा, गुलाम यंग, आप यहां से 250 किलोमीटर दूर चले जाएंगे और आपको जियो कबीले के आसपास के क्षेत्र में जांच करने से मना किया जाएगा। किया ना ये यंग, रह ने तुरंत उनके आदेश का पालन किया और चली गई। लिंगजी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने जियो लिंगजी का हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में ले आया। एक अलगाव अवरोध डालने के बाद उसने कियाने यंग र से प्राप्त पत्थर की गोली को बाहर निकाला। ये विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल अंकित पत्थर की गोली थी। जैसे ही पत्थर की गोली उभरी, यूनचे द्वारा उसमें कोई गहरी ऊर्जा डालने से पहले ही वह चांदी की तरह चमकने लगी। वास्तव में यह उस समय की तुलना में कई गुना अधिक चमकीला और उग्र था जब कियाने यंग र ने इसे अपनी गहन ऊर्जा से इंजेक्ट किया था। अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से यूनचे थोड़ा घबरा गया। पत्थर की गोली के चारों ओर की चांदी की चमक अजीब दिखने वाले शब्दों के मार्ग में फैलने से पहले हवा में तैर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहुत देर तक यूचे कुछ नहीं कह सका। वह बमुश्किल अपनी भावनाओं पर काबू पा सका। उस समय वह मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन से प्राप्त रहस्यमय काली जेड से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था। हालांकि जब जियो लिंगजी निकट थी तो उसने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, चमक उठी थी और हवा में अजीब से दिखने वाले शब्दों का एक अंश प्रकट हुआ था। ये पत्थर की गोली भी वैसी ही थी। आखिर यहाँ क्या चल रहा था? चूंकि जियो लिंशी की नजर अजीब दिखने वाले शब्दों से आकर्षित थी, उसने यूचे की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। उसके होंठ फुसफुसाए और फुसफुसाए, ये फिर से वही अजीब पाठ है। लिटिल चे, क्या आप जानते हैं कि वे अब क्या है? एमेन, यूचे ने सिर हिलाया। इस पाठ को पूर्ण शुरुआत का दिव्य पाठ कहा जाता है। क्या नाम का आपके लिए कोई मतलब है? पूर्ण शुरुआत का दिव्य पाठ। जियो लिंगशी ने अपना सिर हिलाया और बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नहीं, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन ये बहुत प्राचीन पाठ लगता है। उसने यूचे की ओर देखा और उम्मीद से पूछा, लिटिल चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इन शब्दों को क्यों पहचानती हूँ। अगर तुम इसका नाम जानते हो, ठीक है, ये बहुत सरल है। यूनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस पाठ का अपना एक मन है क्योंकि इसे दिव्य पाठ के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि पाठ केवल उन लोगों को अपनी सामग्री प्रकट करता है जिन्हें वह चुनता है, जो इस मामले में आप ही हैं। मैं देख रहा हूँ, जियो लिंगशी ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि उसके मन का संदेह दूर हो गया था। यूनचे ईश्वर लोक में चला गया था और उसने अपनी दोनों आंखों से व्यापक दुनिया को देखा था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसे बहुत सी ऐसी चीजों की जानकारी होगी जो वह नहीं जानती थी या नहीं समझती थी। हालांकि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा गूर था और उस पर विश्वास करना कठिन था, फिर भी उसे यूनचे की बातों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। जब यूनचे ने अपना स्पष्टीकरण दिया तो उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान और शांत आंखें थी, लेकिन अंदर से उसके दिल की धड़कन वास्तव में अनियमित थी। पूर्ण शुरुआत के दिव्य पाठ का उपयोग करके लिखी गई पैतृक दिव्य कला विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल केवल चार महान सृजन देवताओं और चार महान शैतान सम्राटों के लिए सुपाठ्य थी। ये स्वयं जी युआन द्वारा बोला गया एक तथ्य था, न कि ईश्वर क्षेत्र में एकमात्र रिकॉर्ड। यहाँ तक कि उनके आदेश पर ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र के साथ कियाने यंग र जैसा चरम अस्तित्व भी पत्थर की गोली को थोड़ा सा भी समझने में सक्षम नहीं था। तो क्यों? क्या जियो लिंगशी पूर्ण शुरुआत के दिव्य पाठ को पहचानने में सक्षम था? क्या वह सृष्टि के देवता या शैतान सम्राट का पुनर्जन्म था? हालांकि ईश्वर क्षेत्र के प्राचीन अभिलेखों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देव जाति और शैतान जाति दोनों शरीर और आत्मा दोनों में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। यही कारण है कि उनके लिए पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना असंभव था, जो इस तथ्य से समर्थित था कि ईश्वर क्षेत्र में ऐसी कोई भी कहानी कभी प्रसारित नहीं हुई थी। जी युआन ने स्वयं कभी भी विधर्मी भगवान के पुनर्जन्म की तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब ये था कि ऐसी कोई चीज उसकी जानकारी में मौजूद ही नहीं थी। इसके अलावा भले ही पुनर्जन्म अस्तित्व में हो, फिर भी कोई रास्ता नहीं था कि वे अपने पूर्व दिमाग को बनाए रख सके। जियो लिंगशी को यूचे का स्पष्टीकरण उसके और उसके मन में किसी भी अनावश्यक संदेह और चिंता को दूर करने के लिए था। हो सकता है कि लिंगशी को वास्तव में पूर्ण शुरुआत के दिव्य पाठ द्वारा चुना गया हो। यही होना चाहिए। लिटिल चे, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए पढूं? जियो लिंगशी की आवाज अचानक यूचे में भ्रम की धुंध को पार कर गई। आह, जरूर, यूचे ने सिर हिलाया। वह झूठ बोल रहा होगा यदि उसने दावा किया कि उसे पैतृक दिव्य कला में कोई दिलचस्पी नहीं है।
एक ऐसी कला जिसके संपर्क में सृजन देवता या शैतान सम्राट भी कभी नहीं आए थे। इसके अलावा वह वास्तव में ये कभी नहीं भूला था कि एक बार अपन के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद वह अचानक शून्यता के दायरे में चला गया था। जियो लिंशी ने ऊपर देखने से पहले सहमति की चीख निकाली। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। पृथ्वी धीमी नहीं होती, स्वर्ग जीवन को जन्म देता है। इच्छा शक्ति का भार, भावनाओं का संकट, सपना सपना नहीं है, सपना तो सपना है, जो कुछ धुंधला है वह वास्तविक नहीं है। जब जियो लिंशी ने शब्द पढ़े तो युनचे चुपचाप सुनता रहा। उसने हवा में तैरते पाठ को बिल्कुल भी नहीं पहचाना और जियो लिंशी उसे जो पढ़ रहा था उसका एक भी शब्द उसे समझ में नहीं आया। पिछली बार की तरह इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया जियो लिंशी की आवाज उससे और अधिक दूर होती गई। शब्द लंबे और अधिक क्षणभंगुर होते गए। उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। वह अभी भी अपने कानों के पास शब्दों का एक भी शब्द नहीं समझ सका, लेकिन इससे पहले कि वह ये जानता, उसके चारों ओर एक नई अजीब दुनिया खुल गई थी। इस दुनिया में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, न ध्वनि, न प्रकाश, न आभा। उसे अपनी उपस्थिति का भी पता नहीं चल सका। विरोधाभासी रूप से ये सबसे यथार्थवादी शून्यता थी जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस किया था। ये पहली बार नहीं था जब उसने शून्यता की इस अजीब दुनिया में प्रवेश किया था। उसका मन एक बार इस दुनिया में डूब गया था जब वह अभी भी शक्तिहीन था। यह एक प्रकार का विचित्र ज्ञान था जिसमें उसने किसी भी तरह की गहरी ऊर्जा न होने के बावजूद प्रवेश किया था और फिर भी उसे वास्तव में इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। आत्मज्ञान की अवस्था से बाहर निकलने के बाद न तो उनकी मानसिक और न ही शारीरिक स्थिति में कोई बदलाव आया था। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा। एक क्षणभंगुर आकृति अचानक दुनिया में प्रकट हुई। यह एक महिला थी जो सपने की तरह क्षणभंगुर दिखती थी और यह वही व्यक्ति था जो पिछली बार इस दुनिया में आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह युनचे को देख रही थी और उसकी आवाज उसके मानसिक संसार में गूंज रही थी। आप यहाँ हैं। इसका मतलब है कि आप शून्यता के नियमों से और भी गहरे स्तर पर जुड़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल सका। क्या वास्तविक है, क्या काल्पनिक है? कभी कभी काल्पनिक काल्पनिक होता है और वास्तविक वास्तविक होता है, लेकिन कभी कभी काल्पनिक वास्तविक होता है और वास्तविक काल्पनिक होता है। अब जब आपने शून्यता के नियमों को छू लिया है तो आप और अधिक देखने में सक्षम हो सकते हैं जो वास्तविक है। दुर्भाग्य से आवाज अचानक गायब हो गई और खाली दुनिया अचानक शून्य में बदल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब युनचे ने फिर से अपनी आंखें खोली तो वे भ्रम से भर गए। आह, जियो लिंशी के आश्चर्य का उद्गार अचानक कहीं से सुनाई दिया। वह उसकी ओर दौड़ी और बोली, आखिरकार तुम जाग गए लिटिल चे। ओह, युनचे तुरंत अपने होश में आए और समझाया, ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया है। जैसे ही उसने ये कहा उसे अचानक अपने बगल में एक अन्य व्यक्ति का ध्यान आया। वह पीछे मुड़ा और देखा कि सुलिंगर चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। एक बार जब उसका आश्चर्य समाप्त हो गया तो उसने पूछा, आप यहाँ कितने समय से हैं, लिंगर? ही, हमेशा की तरह सिस्टर लिंगजी आपके बारे में चिंतित है, इसीलिए उसने इतने समय तक तुम्हारी देखभाल करने के लिए मुझे अपने पास खींच लिया है। सुलिंग र पास आई और लापरवाही से पूछा, इस बार आपने क्या सीखने का प्रबंधन किया? युनचे ने अपना सिर हिलाने से पहले थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। कुछ नहीं, आत्मज्ञान की स्थिति कुछ ऐसी थी जो केवल संयोगवश घटित हुई। हर बार जब कोई गहन अभ्यासी आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करता है तो उनकी गहन ऊर्जा या गहन कलाओं की उनकी समझ में सुधार की गारंटी दी जाती है। हालांकि युनचे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने पहले ही दो बार आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करने के बावजूद कुछ भी सीखा है। उसे केवल वह खाली दुनिया और उस महिला की क्षणभंगुर आवाज स्पष्ट रूप से याद थी। उस आवाज ने कहा कि मैंने शून्यता के नियम में और सुधार किया है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं ये भी नहीं जानता कि शून्यता के नियम क्या है। शून्यता के नियम स्वयं कुछ नहीं हो सकते है ना? अचानक युनचे ने एक और चीज देखी। जियो लिंशी को विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल पढ़ने के लिए कहने से पहले उन्होंने एक अलगाव बाधा डाल दी थी। पूरे ग्रह पर ऐसा कोई नहीं था जो उसकी बाधा को तोड़ सके और कियानी यंग रह के लिए अपनी मर्जी से उसकी बाधा को तोड़ना असंभव था, लेकिन सुलिंगर यहाँ थी। ऐसा तभी हो सकता था जब 7 दिन बाद अवरोध अपने आप गायब हो गया हो। युनचे पूछने से पहले अचानक कांप उठी, मैं कब से ऐसी हूँ? अब आप आधे महीने से अधिक समय से ऐसे ही हैं, सुलिंग रह ने कहा। क्या? युनचे अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
एक गहन अभ्यासी के लिए लगातार कई वर्षों तक आत्मज्ञान की स्थिति में रहना बिल्कुल सामान्य बात थी। वास्तव में ईश्वरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग दशकों या सदियों तक आत्मज्ञान की स्थिति में रह सकते हैं। हालांकि इस अवस्था में समय के प्रवाह की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल था, लेकिन इसमें शामिल गहन अभ्यासकर्ता को आमतौर पर एक अस्पष्ट विचार होता था कि वे कितने समय से इसमें फंसे हुए थे। लेकिन उसने सोचा कि जब वह शून्यता की दुनिया में फंस गया था तो 10 से भी कम सांसें बीत चुकी थी। आखिरी बार जब उसने जी युआन को देखा था तो उसने उससे कहा था कि वह एक महीने बाद उससे जवाब मांगे। वह ब्लू पोल स्टार पर लगभग आधे महीने तक रहे थे और इस अप्रत्याशित ज्ञानोदय में आधे महीने या उससे अधिक का समय लगा था। इसका मतलब ये था कि वह उस समय सीमा को लगभग पार कर चुका था जो जी युआन ने पहले ही निर्धारित कर दी थी। भूल जाए कि यह जी युआन के साथ किया गया एक वादा था। उसके जवाब ने वस्तुतः प्राइमल केस के भाग्य का फैसला कर दिया। वह देर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह महसूस करते हुए कि उसकी पीठ के नीचे आग जल रही है, युनचे ने जल्दी से कहा, मुझे तुरंत अज़्योर क्लाउड महाद्वीप पर लौटने की जरूरत है। मुझे यकीन नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि मैं थोड़े समय में वापस ना आ सकूं। दादाजी और बुक्सिन को बताएं कि मैंने नमस्ते कहा, ठीक है। इतना कहने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया और दूर गायब हो गया। आह, लिटिल चे, जियो लिंशी ने युनचे को चिल्लाया, लेकिन तब तक वह हवा में एक कण मात्र रह गया था। ये कुछ उन्मत्त व्यवसाय जैसा दिखता है, सू लिंग र ने कहा। मैं हमारी बहनों को सूचित करने जाऊंगा। लेकिन जियो लिंगजी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब सू लिंग र उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि महिला उस दिशा को घूर रही थी जिस दिशा में युनचे उड़ गया था। उसके सामने की दुनिया अचानक अंधकार में बदल गई थी। वह अंधेरे का एक निर्मल सीमाहीन गहरा और भयावह दायरा था। इसे अंधेरे की दुनिया कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक अथाह खाई की तरह लग रहा था। जैसे ही युनचे अंधेरे की ओर उड़ गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह खाई में गिर रहा हो। वह और भी अधिक गहराई तक जाता गया, जब तक कि उसका पूरा व्यक्तित्व अंधेरे से नष्ट नहीं हो गया। सिस्टर लिंगजी, आह, चिल्लाहट अंततः जियो लिंगशी को वापस धरती पर ले आई। उद्धरण चिन्ह .. क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? सू लिंगर ने उसे घूरते हुए चिंता में पूछा। उसकी दृष्टि सामान्य हो गई थी और पहले का अंधकार एक अस्थायी मतिभ्रम जैसा महसूस हो रहा था। जियो लिंगशी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। ये कुछ भी नहीं है, बस एक पल के लिए मेरी आंखें धुंधली हो रही है। ही ओह यू, सू लिंग रा हंसे। हर बार जब बिग ब्रदर युचे चले जाते हैं तो आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल गई हो। यदि आप इतने ही चिंतित हैं तो आप बिग ब्रदर युनचे से हमेशा के लिए चिपके रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। जियो लिंगजी ने नीचे देखा और अपने होठों को भींचने की कोशिश की। हालांकि वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाने में असफल रही। उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन किसी कारण से उसके दिल की धड़कन अचानक अनियमित हो गई थी और एक अकथनीय चिंता उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। युनचे ने कियाने यंग र को बुलाया और कहा कि वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से बाहर निकलने के बाद खुली जगह को ही काट दे। एक क्षण बाद वह लगभग तुरंत ही अज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के क्लाउड एंड क्लिफ के पास दिखाई दिया। कियाने यंग र को कुछ त्वरित निर्देश छोड़ने के बाद युनचे ने चट्टान से छलांग लगा दी और बहुत जल्दी अंधेरे में गायब हो गई। कियाने यंग र ने अपने नीचे अंधेरे की खाई को घूरते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि उसकी नजर उसके पर्दे को भेदने और उसके नीचे मौजूद चीजों को देखने में असमर्थ थी। वह जानती थी कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट रसातल के नीचे है और वह स्वयं इस स्थान के बारे में जानने को उत्सुक थी। यदि उसका व्यक्तित्व अक्षुण होता तो वह अन्वेषण पर निकल जाती, लेकिन चूंकि दास चिन्ह की छाप उसके अंदर थी, इसलिए उसने जो कुछ किया वह केवल उसके आदेशों का पालन करना था और युनचे के लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना था। युनचे ने जितनी जल्दी हो सके क्लाउड एंड क्लिफ को नीचे गिरा दिया। इस दौरान अंधेरे की दुनिया असामान्य रूप से शांत थी। जैसे ही वह नेदरवर्ल्ड उदुम्बरा फूलों के समुद्र में पहुंचा, उसने तुरंत जी युआन को देखा। जी युआन यू एयर के बगल में बैठी थी और उसे नर्म स्वर में कुछ समझा रही थी। जब तक युनचे प्रकट नहीं हुआ, तब तक आपने उसकी बात आज्ञाकारी और शांति से सुनी और एक परिचित रोशनी उसकी रंगीन आंखों में प्रवेश कर गई। वह लगभग अवचेतन रूप से युनचे की ओर झुक गई और उसने उससे दूर देखने से इनकार कर दिया। जी युआन ने पलटकर उस पर नजर डाली। उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जी युआन की आंखों में कोई गुस्सा या असंतोष महसूस न करते हुए
यूचे ने जल्दी से जवाब देने से पहले राहत की एक गुप्त सांस ली। मैंने आधे महीने पहले आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया था और परिणाम स्वरूप मैं हमारी बैठक का समय लगभग चूक गया, इसीलिए मैं जल्दी से वहां पहुंच गया। मुझे आशा है कि मैंने आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं कराया होगा, सीनियर। जैसे ही उसने ये कहा, उसने उसके गालों को छूने के लिए अपना हाथ यू एयर की ओर बढ़ाया। हालांकि वह वास्तव में उसे छू नहीं सका, फिर भी उसने सफलतापूर्वक यू एयर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान खींची। उसके बाद आप उसके और भी करीब आ गए। ये देखते हुए कि यू एयर यूचे की तुलना में उसके बहुत करीब थी, जी युआन ने जटिल भावनाओं के साथ मुंह फेर लिया और उदासीनता से कहा, नहीं, आप सही समय पर आए हैं। ऐसा होने का लगभग समय आ गया है। वह मेरे कुलजनों की वापसी। यूनचे एक पल के लिए चिंतित हो गई। आराम करो, जी युआन ने अपने सामने अंधेरे में घूरते हुए कहा। उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही है। मैंने इस अवधि के दौरान आपके साथ रहने के अलावा कई स्थानों का दौरा किया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे प्रारंभिक अराजकता की बुनियादी समझ है। इसका मतलब ये भी है कि मैं आपको वह उत्तर देने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हैं। यू चे ने अपनी सांसें रोक ली और इंतजार किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जी युआन के अगले शब्द प्राइमल कैस का भविष्य तय करेंगे। अभी केवल वही लोग मेरे बारे में जानते हैं जो ईश्वर क्षेत्र में तथाकथित उच्चतम स्तर के अस्तित्व है। मेरा मानना है कि आदेश के अनुसार मेरी वापसी की खबर न फैलाने के लिए मुझे उन्हें श्रेय देना चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि वे आपको अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं और वे अपनी सारी उम्मीदें आप पर रखते हैं। दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आप स्वयं इसकी अधिक परवाह करते हैं। आप अभी भी हर चीज के निर्णायक हैं, सीनियर, यूनचे ने कहा। जूनियर समझता है कि किसी को भी आपसे किसी भी कार्रवाई की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अराजकता में रहने वाले व्यक्ति के रूप में यह अभी भी मेरा कर्तव्य है कि मैं चाहे कितना भी अयोग्य क्यों न हो, हम उस व्यर्थ की बात को किसी और के लिए बचा कर रखो। जी युआन ने आगे बढ़ने से पहले कहा, मुझसे एक वादा करो और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे कुल के लोग प्रारंभिक अराजकता में कहर नहीं भर पाएंगे। जी युआन के शब्दों के कारण यूचे लगातार दो सांसों के लिए खाली हो गया। जब वह अंततः दुनिया में वापस आया तो उसने अचानक ऊपर देखा और पूछा, आपने क्या कहा वरिष्ठ? क्या गलत? अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। ।। वह सही थी कि यूचे को इस समय अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में उनके स्थान पर किसी ने भी सोचा होगा कि वे श्रवण मतिभ्रम का भी अनुभव कर रहे थे। तथ्य यह है कि जी युआन लौटने के बाद दुनिया के लिए अभिशाप नहीं बनी थी, ये पहले से ही स्वर्ग का आशीर्वाद था। लेकिन असली खतरा लगभग सौ नफरत से भरे शैतान देवताओं की वापसी थी, जब उनमें से एक भी आदिम अराजकता में अनंत विपत्ति ला सकता था। यूचे शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट और बाकी सभी जो सच्चाई जानते थे, वे चाहते थे कि जी युआन शैतान देवताओं को नियंत्रित करे और ईश्वर क्षेत्र की रक्षा करे। यदि वह ऐसा कर सकती तो वे अपने स्वामी के रूप में उसकी सेवा करने को तैयार थे। जहां तक बाकी दुनिया की बात है, वे बिल्कुल भी परवाह करने की स्थिति में नहीं थे। उन सभी को नष्ट करने के बजाय शैतान देवताओं का उन पर शासन करना सबसे अच्छा परिणाम था जिसकी वे आशा कर सकते थे। इससे आगे कुछ भी बस एक कोरा सपना था। लेकिन जी युआन कह रही थी कि वह अपने कुलजनों को प्रारंभिक अराजकता में कोई भी तबाही लाने से रोक सकती है। हालांकि ये शब्द जी युआन के मुंह से ही निकले थे, यूचे को कुछ समय बाद तक उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वरिष्ठ, क्या आपने अभी कहा कि आप अपने कुल के लोगों को प्रारंभिक अराजकता में कहर बरपाने से रोकेंगे? यूचे ने वह सब कुछ दोहराया जो जी युआन ने एक एक शब्द करके कहा था। हम तुम जैसे लोगों से झूठ बोलना मेरे बस में नहीं है, जी युआन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। ये कुछ ऐसा है जो केवल आप ही कर सकते हैं और आपको ही करना चाहिए। ।। ठीक है, यूचे ने धीरे से सिर हिलाने से पहले अपनी सांस को समायोजित किया। कृपया बोले, अच्छी तरह से सुनो। जी युआन अंततः अपनी काली गहरी आंखों से उसे घूरने के लिए मुड़ी। मैं चाहता हूँ कि आप जीवन भर मेरी बेटियों होंगर और युयर की अच्छी देखभाल करें। आपको उन्हें चोट पहुँचाने या उन्हें त्यागने की अनुमति नहीं है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए। ।। यूचे जहाँ था वही खड़ा रह गया, शब्दों से परिस्तब्ध। यूचे ने शैतान देवताओं की वापसी के बाद भविष्य के बारे में सोचने या उनके बारे में सुनने के बाद ब्लू पोल स्टार पर किसी को भी इस अंधकार में भविष्य के बारे में बात करने से परहेज किया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी वापसी न केवल संभावित थी बल्कि अपरिहार्य थी। इसके अलावा भले ही वे सर्वोत्तम परिदृश्य पर उतरने में कामयाब रहे, फिर भी भविष्य अंधकार में और क्रूर था। इस दुनिया में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि लगभग 100 नफरत से भरे सच्चे शैतान कितने भयानक थे। लेकिन अभी जी युआन ने व्यक्तिगत रूप से वादा किया था कि वह अपने कुल के लोगों को प्रारंभिक अराजकता में कहर बरपाने से रोकेगी। क्या ये संभव था? यदि ऐसा था तो उसके साथ आने वाली परिस्थितियां भी उतनी ही कठिन होंगी। यही कारण है कि जब उसने सुना कि जी युआन उससे कुछ चाहता है तो उसका दिल पसीज गया। लेकिन उसने जो सुना उससे उसे फिर से अपने कानों की कार्यक्षमता पर संदेह होने लगा। हागर और यूय का ख्याल रखे, उन्हें चोट न पहुंचाए और उन्हें त्यागे नहीं। रुको, बस इतना ही। मुझे होंगर की आंखों में कोई दुख नजर नहीं आता, वहाँ केवल खुशी है और उसे आपकी जरूरत है, जी युआन ने धीरे से कहा, जबकि यूचे अभी भी अचंभित थी। इसीलिए मेरा मानना है कि आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है और चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यह इस बात पर विचार करने की संभावना है कि आपका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। निसंदेह वह हागा को छोड़ने वाला नहीं था। भले ही वह ये दिखावा करे कि वे एक दूसरे को वर्षों से नहीं जानते थे, हागा अभी भी हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड था, वह साथी जिस पर वह अपने जीवन की तरह भरोसा करता था। जहां तक आपकी बात है, वह अनगिनत वर्षों से अकेली थी और अंधेरे में फंसी हुई थी। वह ये भी नहीं जानती कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। मैं चाहता हूं कि कोई उसे इस अंधेरी दुनिया से बाहर लाए और उसके साथ रहे। मैं उसका अकेलापन दूर करना चाहता हूं और उसे होंगर की तरह खुश और लापरवाह बनाना चाहता हूं। और जिस व्यक्ति को मैंने उसके साथ रहने के लिए चुना है वह आप हैं। युनचे के साथ युयो के असामान्य रूप से घनिष्ठ होने के कई कारण थे। हागा में विधर्मी ईश्वर की उपस्थिति या ये तथ्य कि युनचे उससे मिलने और उसके असीम अकेलेपन में उसका साथ देने वाला पहला व्यक्ति था। यदि वहाँ एक बात थी जिसके बारे में जी युआन निश्चित थी, वही ये थी कि अगर वह युनचे के साथ रहेगी तो युयो सबसे ज्यादा खुश होगी। युनचे ने पूछने से पहले ध्यान से सुना, अभी तुम सिर्फ एक टूटी हुई शैतान आत्मा हो। अगर वह किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करती है जो शुद्ध अंधकार से ढका नहीं है तो उसे बहुत नुकसान होगा या वह नष्ट भी हो जाएगी। क्या आप उसकी आत्मा को पूरा करने और उसे एक नया शरीर बनाने की योजना बना रहे हैं वरिष्ठ? नहीं, जी युआन ने समझाने से पहले अपना सिर हिलाया, तुम्हारी आत्मा बहुत खास है। वह अपनी मूल आत्मा का शैतानी हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह नी हुआन और मेरे बीच की संतान भी है, जिसका अर्थ है कि उसकी आत्मा पूरी दुनिया में किसी भी अन्य से भिन्न है। इसके अलावा यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा का उपयोग उसकी आत्मा के छेद को ठीक करने के लिए करूं तो क्या आप अभी भी आप ही रहेंगे? क्या नहीं, यू एर में एक और आत्मा मिल जाने के बाद भी वह मेरी बेटी बनी रहेगी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे उसे जवाब नहीं दे सका। नी जुवान और जी युआन तत्वों के निर्माण देवता और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट के बीच वर्जित संतान निसंदेह पूरी दुनिया में सबसे असामान्य और अद्वितीय अस्तित्व थी। हागर और यूया को सामान्य स्थिति में वापस लाने का एकमात्र सही तरीका उनकी आत्माओं को एक बार फिर से मिलाना और नीजी को फिर से बनाना था, लेकिन सबसे पहले मैं उनकी आत्माओं को वापस एक में मिलाना चाहता था और उनके शरीर का रीमेक बनाना चाहता था। इस तरह हमारा बच्चा सचमुच पूर्ण रूप से वापस आ जाएगा। लेकिन आपने मुझे अपना मन बदलने के लिए मना लिया। होंगर और यूया ने पहले ही अपना अनुभव, यादें और चेतना बना ली है। वे दोनों मेरी बेटियां हैं। मैं अपनी यादों में नीजी को वापस पाने के लिए उनका अस्तित्व कैसे मिटा सकता हूँ? यू चे ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, आपने दूसरा तरीका सोचा होगा, क्या मैं सही हूँ? क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ? उत्तर आप में निहित है, जी युआन ने कहा। यू चे, जी युआन ने आगे कहा, आपने मुझे बताया था कि होंगर की आत्मा शायद इसलिए पूर्ण थी क्योंकि स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले के पितामह ने उसकी आत्मा का पुनर्निर्माण करने के लिए अपनी आत्मा को त्याग दिया था और फिर उसकी आत्मा के पूर्ण होने के बाद उसके शरीर का पुनर्निर्माण किया था। सच कहूं तो जब मैंने ये सुना तो मुझे पता था कि यह असंभव था। यू चे, हमारी बेटी के पास पूरी दुनिया में सबसे अनोखी आत्मा है। उसकी आत्मा का किसी अन्य की आत्मा के साथ विलय करना असंभव है, भले ही वह आत्मा सृष्टि के देवता या शैतान सम्राट की ही क्यों ना हो। इसके अलावा नी जुवान कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को हमारी बेटी की आत्मा में अपनी आत्मा मिलाने की अनुमति नहीं देगी। इस मामले में वह मुझसे भी कम सहनशील है। इसलिए नी जुवान ने होंगर की आत्मा को पूरा करने के लिए स्वयं एक तलवार वाली आत्मा बनाई होगी। विधर्मी भगवान ने स्वयं एक तलवार आत्मा बनाई थी।
न तो होंग एयर और न ही यू एयर की आत्मा किसी भी व्यक्ति की आत्मा के साथ मिल सकती है, इसलिए एक आर्टिफैक्ट आत्मा का उपयोग करना ही एकमात्र विकल्प बचा था। हागा की तलवार की आत्मा में निहुआन की आत्मा की आभा का मूल समाहित था, इसलिए ये केवल वही हो सकता है जिसने तलवार की आत्मा को गढ़ा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद हागा एक व्यक्ति की आत्मा और एक तलवार के साथ आधा तलवार आधा इंसान बन गया। उसकी तलवार की आत्मा के अंदर की प्रकाश ऊर्जा को इस तथ्य के बाद तलवार आत्मा भगवान कबीले के भीतर हागा को सुरक्षित रखने के लिए जोड़ा गया होगा। इसे संभवतः स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले के कुलपति या उस महिला ली सुओ के हाथों डाला गया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से होंगर की तलवार की आत्मा में हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड नाम अंकित किया। डेविल स्लेयर को स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान में उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उकेरा गया था, जबकि हेवन स्मिटिंग जी युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी आवाज एक पल के लिए कांप गई थी। उसने इसे वहां शायद इसलिए रखा क्योंकि कुछ चीजें थी जिन्हें वह जाने नहीं दे सकता था। हेवन स्मिटिंग डेविल कबीला एक ऐसा कबीला था जो तलवारों में बदल सकता था। हागा की मां स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी आत्मा तलवारों के साथ भी अद्वितीय रूप से अनुकूल थी। यही कारण है कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाली तलवार होंगर एक ही समय में शैतान को मारने वाली तलवार की हल्की विशेषता और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट की शैतानी ताकत में बदल गई। जहां तक हागा की तलवारें खाने की क्षमता की बात है तो ये कुछ ऐसा था जिसे जी युआन भी नहीं समझ पाया था। इस रहस्योद्घाटन पर यूचे का दिल बुरी तरह कांप उठा। जब आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी ने उससे बात की थी तो उसने अनुमान लगाया था कि हागा की आत्मा स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड पेट्रियार्क द्वारा पूरी की गई थी। यही कारण है कि वह दिव्य शैतान वध करने वाली तलवार में बदलने में सक्षम थी। वह अपने सिद्धांत के बारे में काफी आश्वस्त लग रही थी, भले ही उस समय ये केवल अटकलें थी। हालांकि वह गलत थी। विधर्मी ईश्वर ही वह व्यक्ति था जिसने स्वयं उसकी आत्मा को पूर्ण किया था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का स्पष्टीकरण ऐसा लग रहा था जैसे ये सच्चाई के करीब था। नी जुवान गौरवान्वित विधर्मी भगवान था और हागा उसका और हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का बच्चा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी बेटी की आत्मा को किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिश्रित होने देता। भले ही वह इस तरह पूरी तरह से बनाई गई हो, वह पूरी तरह से उसकी बेटी नहीं होगी। यदि जी युआन वापस नहीं आया होता तो किसी को कभी पता नहीं चलता कि वह कौन था जिसने होंगर की आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आखिरकार विधर्मी भगवान को उसके बाद दोबारा होंगर से मिलने का मौका नहीं मिला और इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था दुनिया को या हागा को ये बताने की कि वह उसकी बेटी थी। हागा की आत्मा पूर्ण होने के बाद वह अंततः किसी अन्य व्यक्ति की बेटी बन गई। दुनिया में हर किसी ने सोचा कि हागा स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड पेट्रियार्क की बेटी थी। एक बेटी के पिता के रूप में वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके चले जाने पर विधर्मी ईश्वर को कितना असहाय कड़वा या दुखी महसूस हुआ होगा। क्या आप हागा की तरह अपने लिए एक तलवार की आत्मा बनाने जा रहे हैं? यू चे को आखिरकार जी युआन के इरादे समझ में आने लगे थे। नहीं, लेकिन जी युआन ने समझाने से पहले फिर से अपना सिर हिलाया, क्या आपने सोचा था कि हागा और यू के लिए एक संपूर्ण आत्मा बनाना आसान होगा? होंगर की दिव्य आत्मा का निर्माण शुरू करने से पहले निहुआन को कम से कम हजारों दिव्य आत्मा दिव्य तलवारों की आवश्यकता थी। फ्यूशन प्रक्रिया के दौरान भी उसने बड़ी कीमत चुकाई होगी। यहाँ तक कि पुराने प्राइमल कैस में भी यह शायद एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे दूसरी बार दोहराया नहीं जा सका, अन्यथा उसने यूएड के लिए भी एक तलवार की आत्मा बनाई होती। आज आपको एक भी ऐसी तलवार नहीं मिली जो दैवीय स्तर की हो, इसलिए आपके लिए तलवार की आत्मा बनाना असंभव है। यू चे को जी युआन का स्पष्टीकरण केवल आधा ही समझ आया, लेकिन ये स्वाभाविक था। वह सृष्टि के देवताओं के स्तर पर कुछ समझने की आशा कैसे कर सकता है? मेरी योजना आपके लिए है, हागा की तलवार की आत्मा को साझा करने की, जी युआन ने घोषणा की। शेयर करना? कैसे? हागा की तलवार की आत्मा उसके जीवन और आत्मा को सुधारने के लिए बनाई गई थी और यह अकेले यू चे की समझ से परे एक उपलब्धि थी। लेकिन उनका भ्रम तब और भी गहरा हो गया जब जी युआन ने घोषणा की कि वह होंगर और यू यू को एक ही तलवार वाली आत्मा बनाने जा रही है। क्या यह संभव था? आम तौर पर यह पूरी तरह से असंभव होगा, लेकिन होंगर और यू यू मूल रूप से एक ही थे, इसलिए उनकी आत्मा की उत्पत्ति एक ही है। इसके अलावा हागा का जीवन आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए यदि हम आपको वाहक के रूप में उपयोग करते हैं तो ऐसा करना संभव है। यूचे, एक बार यह पूरा हो जाने पर होंगर की तरह आपका जीवन भी आपसे जुड़ जाएगा।
मुझे उसके लिए नया शरीर बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह अंततः आपके जीवन की आभा के माध्यम से एक नया शरीर प्राप्त कर लेगी। यूचे, हागा की आत्मा, हागा की तलवार की आत्मा, हागा का उत्परिवर्तन। हागा के बारे में सब कुछ सृजन देवताओं के स्तर पर था। वह सृष्टि के देवता और शैतान सम्राट के बीच एकमात्र वर्जित संतान थी और वह अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुकी थी। निस्संदेह जी युआन के अलावा कोई भी पूरी दुनिया में होंगर को सबसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन वह भी यह नहीं समझ पाए कि वह तलवारें क्यों खाती थी। देव जाति के पास शैतान का वध करने वाली तलवारें और तलवार आत्मा का ईश्वर कबीला था, और शैतान जाति के पास स्वर्ग को मारने वाली तलवारें और स्वर्ग द्वारा शैतान को मारने वाला कबीला था। हालांकि उनमें से किसी को भी तलवारें खाने की अजीब आदत नहीं थी। यू चे ने भौहें ऊपर उठाने से पहले एक पल के लिए सोचा। वरिष्ठ, आपने एक बार कहा था कि प्रकाश ऊर्जा और अंधेरे ऊर्जा एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं, लेकिन हागा की आत्मा तलवार आत्मा भगवान कबीले की तरह प्रकाश दिव्य ऊर्जा से भरी हुई थी और यू एयर की आत्मा शुद्ध शैतानी अंधेरे से बनी है। क्या उनकी आत्माएं एक दूसरे को अस्वीकार नहीं करेगी? हो सकता है कि यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए सच हो, लेकिन आप। जैसे ही उसने यू चे को देखा, जी युआन की गहरी काली आंखें कई शेड्स गहरी हो गई। आप एक राक्षस हैं जो जीवित रह सकते हैं और यहाँ तक कि एक ही समय में प्रकाश ऊर्जा और अंधेरे ऊर्जा दोनों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। ये स्पष्ट है कि आपका शरीर प्रकाश और अंधकार के मूल नियम की पूरी तरह से अवहेलना करता है। इसका मतलब यह है कि आप और हागा तब तक सह अस्तित्व में रहने में सक्षम हो सकते हैं जब तक उनका जीवन आपके और आपके शरीर के अंदर मौजूद अप्राकृतिक कानून से जुड़ा हुआ है। एक और बात, एक बार जब यू एयर की आत्मा होंग र के साथ मिल जाती है तो वे जिस तलवार में बदल जाते हैं वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगी। उन्हें आपकी बड़ी मदद करनी चाहिए, उन्होंने कहा। अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली, यह मानते हुए कि यह टिप्पणी स्वयं शैतान को मारने वाले सम्राट की ओर से आई थी, यूनचे केवल उस प्रोत्साहन की कल्पना कर सकता था जो उसे मिलने वाला था। क्या ये सच में काम करेगा? यूनचे ने यूएर की खाली आंखों को घूरते हुए अनिश्चित रूप से पूछा। एक बार जब हम इसे आजमाएंगे तो परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे, जी युआन ने समान रूप से कहा। उसके अंदर उमड़ते आत्मविश्वास से यह स्पष्ट था कि वह लगभग 100% आश्वस्त थी कि यह सफल होगा। वह होंगर और यूयो की माँ थी। उनकी आत्माओं को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें हागा की विशेष तलवार आत्मा और सोल स्टार रिलीगेशन के बारे में गहराई से जानकारी थी जिसने उन्हें और यूचे को एक साथ बांध दिया था। अब हागा को बुलाओ, यूनचे के मानसिक आह्वान के जवाब में सिंदूर तलवार के निशान से एक लाल बत्ती निकली और हागा यूनचे के ठीक सामने आ गई। लड़की ने पूछने से पहले जिम्हाय लेते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं अपनी तलवार की आत्मा आपके साथ साझा करूं? क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरी तलवार की आत्मा में आगे बढ़ेंगे? यूनचे, ओह, तुमने सब कुछ सुना, होंगर ने खर्राटे के साथ कहा। मेरे कान पूरी तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैंने किया। हटो, अंदर जा रहे हो, मुझे लगता है आप सही हैं। यूनचे ने पूछने से पहले अपना शरीर थोड़ा नीचे किया, तो क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? हागा अपने पूरे जीवन में केवल दो चीजों से चिंतित थी, खाना और सोना। जिस दिन से वह उससे मिली, उसने कभी भी अपनी पृष्ठभूमि, अपने माता पिता या यहाँ तक कि अपने स्वयं के अनूठे अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बेशक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, हागा की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या इसका मतलब यह है कि मैं हर समय आपके साथ खेल सकूंगा? शायद हाँ, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि यह सफल होगा या आपको किसी तरह नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ जी युआन भी यू एयर के बगल में घुटने टेक कर चुपचाप फुसफुसा रही थी। थोड़ी देर बाद वह पलटी और बोली, आइए शुरू करें। होंगर से कहें कि वह तलवार बन जाए। यू चे ने सिर हिलाया और कहा, होंगर। कुछ ही देर बाद हागा हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार में बदल गया था। उसके शरीर से निकलने वाली सिंदूरी रोशनी चारों ओर के अंधेरे के बावजूद एक चमकती हुई किरण थी। जी युआन आगे बढ़ी और उसकी शैतानी आंखों में एकदम काली रोशनी घुस गई। फिर उसने एक हाथ सिंदूर तलवार पर और दूसरा हाथ युवा पर रखा। हो सकता है कि हम युवेर की शैतान आत्मा और होंगर की तलवार की आत्मा को एक साथ मिला रहे हों, लेकिन उनकी आत्माओं का मूल और वाहक आप ही है। अब से आप अपने जीवन और आत्मा की आभा को पूरी तरह से मुक्त कर देंगे और इस प्रक्रिया के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ, यूनचे ने सिर हिलाया और अपनी आभा पूरी तरह प्रकट कर दी। अभी वस्तुतः कोई भी शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा या मानसिक ऊर्जा पर आक्रमण कर सकती है।
जी युआन के शरीर से अचानक अंधेरे की एक भयानक चमक फूट पड़ी। यह एक ही पल में उसके शरीर, आत्मा और इंद्रियों पर पूरी तरह से हावी हो गया। अंधेरे की इस दुनिया में उसने अस्पष्ट रूप से अपने सामने कहीं एक काली अजीब आकार की गहरी संरचना को धीरे धीरे घूमते हुए देखा। हालांकि अंधेरे की गहरी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन वह इसमें से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूचे की मानसिक ऊर्जा को समझने के लिए इसका स्तर बहुत अधिक था। गहरे अंधेरे का निर्माण तेजी से बड़ा और स्पष्ट होता गया। अज्ञात समय के बाद यह अचानक गायब हो गया और उसकी चेतना को अंधेरे के अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। ओह, यूचे होश में आने से पहले जोर से कराह उठी। आखिरकार उसकी आंखों को एक बार फिर फोकस मिल गया। सबसे आगे उसने जी युआन को उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा, जैसे कि वह कभी भी उस स्थान से दूर नहीं गई थी। हालांकि यू एर अब उसके साथ नहीं था। ये कैसे हुआ सीनियर? उनके इतना कहने के ठीक बाद किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। उसके बगल में एक विशाल तलवार चुपचाप खड़ी थी। इसमें कई यंत्रों के साथ हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार के समान ही ब्लेड था। एक ये बिल्कुल यू एर के चांदी के बालों की तरह चमकीले चांदी के रंग का था। दो उसके शरीर के चारों ओर एक काला कोहरा मंडरा रहा था। और तीन मूठ और ब्लेड को जोड़ने वाला रत्न अब सिंदूर के बजाय चतुष्कोणीय था। वे यू एर की पुतलियों से बिल्कुल मेल खाते थे। मणि के अंदर एक जेब के आकार का युवा एक अपरिचित दुनिया में तैरता हुआ देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आसपास की हर चीज में बेहद रुचि रखती थी और भ्रमित थी। यह यू एर की आत्मा के तलवार की आत्मा से जुड़ने के बाद की तलवार है। यू चे ने जी युआन की ओर देखने से पहले खुद से बुदबुदाया। काम किया? हाँ, ऐसा हुआ, जी युआन ने धीरे से कहा। जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक सरल और आसान था। ठीक है, मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। आखिरकार वे एक ही हुआ करते थे। चाहे उनके साथ कितनी भी भयानक घटनाएं घटी हों, वे कभी एक दूसरे को अस्वीकार नहीं करेंगे। उसने आगे बढ़ने से पहले राहत की सांस ली। हालांकि मेरी उम्मीदों से थोड़ा सा विचलन है। विचलन? यू चे ने सवाल करते हुए भौहें उठाई। इसे स्वयं समझो और तुम मेरा अर्थ समझ जाओगे। यू चे ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। उसने तुरंत देखा कि हागस गाय पॉइजन पल में लौट आया था और गहरी नींद में था। जैसा कि मैंने सोचा था, होंग एर और यू एर आपके अंदर मौजूद हो सकते हैं, भले ही उनमें विरोधाभासी तत्व हो। हालांकि सह अस्तित्व ही सब कुछ संभव है। आपके विपरीत वे एक ही समय में दो पूरी तरह से विरोधाभासी शक्तियों को उजागर नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि वे आदर्श रूप में सह अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन अगर तलवार के रूप में उनकी केवल एक चेतना जागृत होगी, जबकि दूसरी गहरी नींद में होगी। यदि आप शैतान कातिल तलवार का उपयोग कर रहे हैं तो आप सो जाएंगे। यदि आप शैतान सम्राट तलवार का उपयोग कर रहे हैं तो हागा सो जाएगा। फिर भी ये तथ्य कि वे सह अस्तित्व में है पहले से ही एक अपूरणीय चमत्कार है। यू चे ने इस बार जी युआन को पूरी तरह से समझ लिया। उसने तलवार की मूठ में खुदे हुए उस नए नाम को देखा जिसे आपने बदल दिया था। स्वर्ग, प्रहार, शैतान, सम्राट, तलवार, जी युआन ने कहा, मेरे कबीले के लोग जिस तलवार को रूपांतरित करते हैं उसे हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड स्वॉर्ड कहा जाता है, लेकिन मैं एक अपवाद हूँ। जिस तलवार को मैं रूपांतरित करता हूँ उसे हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर स्वॉर्ड कहा जाता है। अंततः मेरे नाम पर एक उत्तराधिकारी है। वह वास्तव में निहुआन और मेरी बेटी है। यहाँ तक कि केवल आधी आत्मा के साथ वह जिस तलवार में तब्दील हो जाती है वह अभी भी एक शैतान सम्राट तलवार है। यू एर की आत्मा उसकी मूल आत्मा का शैतानी हिस्सा थी, इसलिए हागा की तरह ही उसके पास भी अपनी अनोखी तलवार थी। लेकिन इस बार उससे रिसने वाली अंधकार में आभा उस स्तर पर थी जिसने उसके अंदर डर पैदा कर दिया। उसने दोनों हाथ फैलाकर उसकी मूठ पकड़ ली। फिर उसने अपनी भुजाओं में ताकत डाल दी। उसकी भुजाएं और उसका चेहरा तुरंत एक ही समय में विकृत हो गए और वह अपने पैरों पर लगभग लड़खड़ाने लगा। इसका कारण ये था कि तलवार जरा भी नहीं हिली थी। हैरान होकर यूचे ने लगातार चार गेट खोले और अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही उसके अंगों में शक्ति का संचार हुआ उसने एक पशुवत दहाड़ निकाली और फिर से प्रयास किया। हाँ, इस बार प्रयास से यूचे की भुजाएं लगभग टूट गई, लेकिन जमीन पर अंधेरे में चमकती हुई विशाल तलवार अभी भी एक इंच भी नहीं हिली। यू एर और जी युआन दोनों ने उसकी ओर देखा। ये स्पष्ट था कि उनकी निगाहों के पीछे कुछ अनकहे शब्द थे। यू चे शायद ही उस सदमे का वर्णन कर सके जो वह इस समय महसूस कर रहा था। अपने दांत भींचते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हेल मोनाक को सक्रिय कर दिया।
बूम, उसकी गहन ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उसका रंग उबलते लावा जैसा लाल था। युनचे की परम शक्ति के तहत चांदी की तलवार अंततः धीरे धीरे चली और वह अंततः अपने सामने अंधेरे स्थान पर टिप रखने में सक्षम हो गया। अचानक पूरी पॉकेट दुनिया में अंधेरी शैतानी शक्ति की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो यह अनंत रसातल से आया एक ठंडा तूफान हो। कुछ दूरी पर पाताल लोक के उदुम्बरा फूलों ने अचानक हिलना बंद कर दिया और डर के मारे अपनी पंखुड़ियां बंद कर ली। वह चमकदार बैंगनी रोशनी जो उस स्थान को रोशन रखती थी अचानक तेजी से मंद हो गई। ये पौधे वास्तव में अपना भय और समर्पण व्यक्त कर रहे थे। युनचे के हाथ और दांत कांप रहे थे। हेल मोनाक उसकी शक्ति का चरम था, लेकिन वह मुश्किल से शैतान सम्राट तलवार को उठाने में सक्षम था। जब उसने एक स्विंग करने की कोशिश की तो जैसे ही उसने तलवार को स्थिति में उठाया उसकी भुजाएं छूट गईं। बूम, स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार भारी मात्रा में जमीन पर गिर गई, जिससे एक भयानक भूकंप आया जिसने अंधेरे की इस दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया। हालांकि युनचे ने अभी भी तलवार पकड़ रखी थी, लेकिन वह अब इसे उठाने में असमर्थ था। उसे भी पसीना आ रहा था जैसे बारिश हो रही हो। वह वर्तमान में दैवीय राजा क्षेत्र के पहले स्तर पर था, लेकिन वह अपनी पूर्ण सीमा पर दैवीय संप्रभु क्षेत्र के शुरुआती चरणों में किसी के समान ही मजबूत था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शक्ति का ये स्तर केवल स्वर्ग में शैतान सम्राट तलवार को थोड़े समय के लिए उठाने के लिए पर्याप्त था और इसे घुमाना भी उसके वर्तमान स्तर से परे था। यदि एक दिन वह इस हथियार पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। हे जी युआन उसे देखकर उदासीनता से मुस्कुराया। तुम्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। युनचे अवसाद में थोड़ा लाल हो गया। इससे पहले जी युआन ने उसे बताया था कि युयो के शामिल होने के बाद तलवार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगी और शक्ति में वृद्धि अभी उसके सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थी। हालांकि हागा की तलवार में स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट का शैतानी दबाव भी था, ये केवल दबाव था। उसकी मुख्य शक्ति दिव्य प्रकाश ऊर्जा थी जिससे सभी शैतान डरते थे, क्योंकि वह जिस तलवार में परिवर्तित हुई थी वह शैतान कातिलों की तलवार थी। हालांकि यू एयर का तत्व होंग र के बिल्कुल विपरीत था। वह जिस तलवार में परिवर्तित हुई वह शुद्ध दिव्य अंधकार ऊर्जा से प्रेरित एक शैतान सम्राट तलवार थी। होंगर और यूय की आत्मा की विशेषताएं अलग अलग थी, लेकिन उनकी तलवार की आत्मा एक ही थी, इसलिए उनकी तलवार का दबाव बिल्कुल एक जैसा था, भले ही उनके द्वारा प्रदान की गई शक्ति पूरी तरह से अलग थी। मूल रूप से इसका मतलब ये था कि अगर युनचे की शैतान सम्राट तलवार उसकी शक्ति से परे थी तो युनचे के लिए होंगर की डेविल स्लेयर तलवार का उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसने इसके बारे में सोचा तो यह एक दुखद कहानी थी। मुझे लगता है कि होंगर और युयो के योग्य बनने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, युनचे ने आत्मा उपहास करते हुए कहा। यही वह क्षण था जब उसे लगा जैसे उसका शरीर उसका साथ छोड़ने वाला है और उसने जल्दी से धीरे से युवा को चिल्लाया, युवा। वहां एक चांदी जैसी काली चमक थी और स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार तुरंत वापस युवा में परिवर्तित हो गई। इसके तुरंत बाद एक लाल फ्लैश हुआ जब होंगर खुद ही बाहर कूद गई और उसने अपनी आंखें जोर से झपकाते हुए पूछा, क्या मैं अभी अभी अचानक क्यों सो गया? क्या आपने अभी मेरे साथ कुछ अजीब किया मास्टर? युनचे, मैंने झूठ बोलना बंद नहीं किया। वह अचानक मुड़ी और अपने बगल में यू एयर की ओर देखा। आप भी उसे घूर रहे थे। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे मानो वे जम गए हो। अंत में उन्होंने एक ही समय में अपना हाथ बढ़ाया और एक दूसरे के गालों को छुआ। इस बार उनके हाथ एक दूसरे के शरीर से होकर नहीं गुजरे। हागा को अपनी उंगलियों की नोक पर कुछ बर्फीला महसूस हुआ और युएर को गर्मी का एक उछाल महसूस हुआ जो अपरिचित और अकथनीय रूप से अजीब था। वाह, हागा की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। आखिरकार मैं तुम्हें छू सकता हूँ। वाह, हागा खुशी से झूम उठा। वह नहीं जानती थी कि वह इतनी खुश क्यों थी, न ही वह ऐसा करना चाहती थी। उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन खुशी से हंसते हुए भी उसके गालों से दो आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक उसकी हथेली को एकटक देखने से पहले आपने धीरे से उसका हाथ हटा लिया। फिर उसने बहुत सावधानी से युनचे की हथेली को अपनी उंगली से छुआ और एक अलग तरह की गर्मी महसूस की। इस बार उसने अपना हाथ नहीं हटाया। इसके बजाय उसने युनचे की आंखों में देखा और अपनी आंखों को संकीर्ण करने और अपने होठों को मोड़ने की बहुत कोशिश की, जिससे हर किसी के देखने के लिए एक बिल्कुल सही मुस्कान प्रदर्शित हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह जी युआन दूर हो गई ताकि युनचे उसकी आंखों के अंदर बहते आंसुओं को न देख सके। फ्यूजन के बाद वे काफी थक गए होंगे।
आइए उन्हें आराम दें। एमिन। यून चे ने दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराया और कहा, होंग एर, यू एर, जाओ एक अच्छी झपकी का आनंद लो। ठीक है, तुम्हारे जागने के बाद मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखाऊंगा। यू एर। आपने सिर हिलाया और अपना मुंह थोड़ा खोला। मन। ये बहुत नर्म, बहुत कच्चा था, लेकिन ये बहुत स्पष्ट शब्द था। जी युआन अपना सिर और भी ऊपर उठाने से पहले बुरी तरह कांप उठी। अपने आसपास की बिल्कुल नई दुनिया की जांच करने के बजाय युआन ने स्काई पॉइजन पल में हागा का अनुसरण किया। जल्द ही वे दोनों सो गए। उनमें से किसी को भी अपनी आत्मा के नए आकार का आदि होने में काफी समय लगेगा। आप अब हागा की तरह आधे इंसान आधे तलवार वाले थे, लेकिन कम से कम उसकी आत्मा अंततः पूर्ण हो गई थी। पर्याप्त समय दिए जाने पर वह अंततः अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति, भाषण, स्पर्श की भावना, गंध की भावना और यहाँ तक कि एक वास्तविक शरीर को पुनः प्राप्त कर लेगी। वह सचमुच जीवित होगी। इसके साथ मुझे अब कोई पछतावा नहीं है, जी युआन ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? क्या सचमुच मुझे इस दुनिया में अब कोई पछतावा नहीं है? आपने क्या कहा, सीनियर? जी युआन की फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि यू चे ने उसे पूरी तरह से नहीं सुना। हालांकि जो अस्पष्ट आवाज उसके कानों में पड़ी वह अभी भी सामान्य से अलग लग रही थी। जी युआन ने उसे गंभीरता और उदासीनता से देखा। आप हागा एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो आपके जीवन को साझा करता है। आप भी आपका ही हिस्सा है। अब से मेरी बेटियों का भाग्य, हमारी बेटियों का भाग्य आपके हाथों में है। यून चे ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं यह अनावश्यक है। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, जी युआन ने उसे टोक दिया। इस पूरी दुनिया में वादों से ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी एकमात्र पसंद है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, यू चे ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा सीनियर। स्वर्ग पर प्रहार करने वाले सर्वोच्च शैतान सम्राट ने अपनी बेटियों का भाग्य उसके जैसे एकमात्र नश्वर व्यक्ति पर डाल दिया था। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे भारी भरोसा था। इसके साथ आने वाले दबाव का तो जिक्र ही नहीं किया गया। उस स्थिति में मेरे लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। इसके बाद जी युआन ने उदासीन स्वर में कुछ ऐसा कहा जिससे यून चे पूरी तरह से सदमे में आ जाएगा। मैं वर्ल्ड पियर्सर के साथ प्राइमल कैस की दीवार पर मार्क को नष्ट कर दूंगा और अपने कबीले के लोगों को वापस लौटने से रोकूंगा। वे मौजूदा प्रारंभिक अराजकता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे बहुत देर तक उसे एकटक देखता रहा। जी युआन कह रही थी कि वह उन शैतान देवताओं को कभी वापस लौटने से रोकेगी। यदि यह सच होता तो निस्संदेह वे प्रारंभिक अराजकता के भीतर किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होते। यून चे ने उसके ऐसे उत्तर की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई भी कभी विश्वास नहीं करेगा कि यह सच था। आखिरकार जी युआन वर्तमान दुनिया की खातिर व्यवहारिक रूप से अपने ही लोगों को धोखा दे रही थी। जी युआन के स्तर पर प्राइमल कैस के लोग निम्न नश्वर लोगों से अधिक कुछ नहीं थे। सबसे छोटी चींटियों की तरह वह एक उंगली हिला सकती थी और सभी प्राणियों और तारा लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती थी। किसी को संदेह नहीं था कि उसके कुल के लोग, वे लोग जो प्रारंभिक अराजकता के बाहर लाखों वर्षों तक उसके साथ पीड़ित थे, उसके लिए इस दुनिया में किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब वह कह रही थी कि वह अपने ही हाथों अपने ही कुल के लोगों का त्याग कर देगी। वरिष्ठ, आप इस बारे में गंभीर हैं। यू चे थोड़ा तनावपूर्ण लग रहा था। क्या तुम्हें याद है कि मैंने पहले दिन क्या कहा था? जी युआन ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना धीरे से कहा। ये संभव था कि उसने बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया था। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मैं उन्हें दुनिया पर अपनी नफरत प्रकट करने से नहीं रोकूंगा। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बेशक उसे वह सब कुछ याद था जो उसने कहा था। हालांकि मैं स्वर्ग में शैतान जाति को मारने वाला शैतान सम्राट हूँ और मेरा आदेश मूल रूप से स्वर्ग का आदेश है। जी युआन ने जारी रखने से पहले एक आह भरी। उनकी आत्माएं अंततः मेरी तुलना में कमजोर है। लाखों वर्ष लंबे दर्द, घृणा और निराशा ने उनके दिमाग को बहुत पहले ही विकृत कर दिया था और वे सभी नफरत के शुद्ध राक्षसों में बदल गए हैं। अगर उन्हें वापस लौटने की अनुमति दी गई तो वे पागलों की तरह इस दुनिया पर सब कुछ उगल देंगे। कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। इसके अलावा मेरे कुल के 90% से अधिक लोगों ने प्रारंभिक अराजकता के बाहर अपनी जान गंवा दी और जो बच गए वे अपनी सीमा पर हैं। यहाँ तक कि जिनकी आयु सबसे अधिक है उनके पास भी लगभग 10,000 या इतने ही वर्ष बचे हैं।
यदि उन्हें अपना शेष जीवन पाप करने और इस नाजुक दुनिया को तबाह करने में बिताना है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जी युआन अचानक रुक गई, जैसे कि वह अब और बोलना सहन नहीं कर पा रही हो। दर्द की एक छोटी सी झलक छुपाने के लिए वह थोड़ा दूर हो गई। यून चे ने स्पष्टीकरण के दौरान उसे एक बार भी नहीं टोका। उसके वादे ने न केवल मौलिक अराजकता को रसातल के कगार से दूर खींच लिया था, बल्कि उसे सीधे स्वर्ग में वापस खींच लिया था। वह पहले से ही अपने मन में कल्पना कर सकता था कि यह सब सुनने के बाद ईश्वर क्षेत्र के लोग कितने खुश होंगे। यून चे को खुद बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन अभी वह किसी भी चीज से ज्यादा स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जी युआन एक ऐसी दुनिया के लिए अपने सभी कुलों का बलिदान देने को तैयार होगी जिसने एक बार उसे धोखा दिया था और अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वह अपने कुल के लोगों का सामना नहीं कर पाएगी और इससे भी अधिक वह स्वयं। उसका दर्द निस्संदेह किसी और से बड़ा होगा। यह उसका जवाब था, एक शैतान का जवाब। शैतानों का शहंशाह खुद भी कुछ कम नहीं। वह ये भी व्यक्त नहीं कर सका कि उसे कितना स्तब्ध महसूस हुआ। अब आप उन लोगों के पास लौट सकते हैं, जी युआन ने कहा। आप उन्हें जल्द से जल्द सहज बना सकते हैं। जब समय आएगा मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से मैं आया हूं और स्थानिक मार्ग को नष्ट कर दूंगा। मैं एकमात्र हूं जो इसे नष्ट कर सकता हूं। एक बार यह नष्ट हो गया तो इस जैसा कोई अन्य स्थानिक मार्ग कभी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने ठीक है कहने से पहले उसे अस्वाभाविक रूप से कठोर सिर हिलाया। मैं हांगा और युवा को तुम्हें सौंप दूंगा। मुझसे किया अपना वादा मत भूलना। अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाने या उन्हें त्यागने का साहस किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं, जीवित या मृत। चिंता मत करो सीनियर, मैं लूंगा। वह फिर से गंभीर शपथ लेने ही वाला था कि अचानक उसे जी युआन के शब्दों में कुछ गड़बड़ नजर आई। फिर उसने भौहें सिकोड़ ली और आश्चर्य से चिल्लाने लगा, सीनियर कहां कहां जा रहे हो? क्या आप हांगर और यूयो के साथ नहीं रहेंगे? और कहां? जी युआन काली पुतलियों के साथ सुदूर पूर्व की ओर देखने से पहले मुस्कुराया। बेशक मैं अपने कुलजनों के साथ ही रहूंगा, फिर से चौंक कर यून चे ने जल्दी से कहा। वरिष्ठ आप मैं ही वह कारण था जिसके कारण उन्हें प्रारंभिक अराजकता से निर्वासित किया गया था। जी युआन को पता था कि यून चे क्या कहने जा रहा है, इसलिए उसने आगे बढ़ने से पहले उसे ठंडे स्वर में बंद कर दिया। वे प्राइमल अराजकता के बाहर इतने लंबे समय तक संघर्ष करने में कामयाब रहे, इसका कारण ये था कि वे एक दिन वापस लौट सके। हालांकि मैं उनके साथ विश्वासघात करूंगा और उनकी एकमात्र आशा को खत्म कर दूंगा। मेरा पाप पहले से ही अक्षम्य है। मैं उनके साथ जो करने वाला हूँ उसके बाद मैं उन्हें दूसरी बार कैसे छोड़ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने जी युआन को घूर कर देखा। वह अंधेरे में डूबी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे जिन्हें वह अपनी ताकत से भी नहीं हटा सकती थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि कोई भी उसकी आंखों में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे दुनिया का सबसे डरावना सबसे अक्षम्य शैतान माना जाता था, उनमें से सबसे बुरी भी, क्योंकि वह शैतानों की शहंशाह थी। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है सीनियर। जी युआन के संकल्प ने शैतानों के बारे में उसके ज्ञान को फिर से पूरी तरह से पलट दिया था। ये विश्व भेदी के कारण ही है कि आपके कुल के लोग आज तक जीवित रहने में सक्षम हैं। यदि आप नहीं होते तो उन्हें प्राइमल कैस में लौटने का मौका भी नहीं मिलता। आप पर किसी का कुछ भी बकाया नहीं है सीनियर। इसके अलावा यूर और होंग र दोनों को आपकी जरूरत है। एक बार उसे स्वर्ग में शैतान सम्राट की वापसी का डर सताने लगा, लेकिन अब वह ये जानकर हैरान रह गया कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं अपने कुलजनों का साथ बनाए रखने के लिए प्राइमल कैस को नहीं छोड़ रहा हूँ। जी युआन हमेशा की तरह शांत लग रहे थे। यूं चे मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस दुनिया में हूँ? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए यूं चे उसे कोई जवाब नहीं दे सका। प्राथमिक अराजकता की आभा और नियम दोनों ही पहले की तुलना में कई स्तर पर कमजोर है। न तो मेरी शक्ति और न ही मेरा अस्तित्व प्रारंभिक अराजकता के मौजूदा कानूनों द्वारा टिकाऊ है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि मेरी वापसी ने कैसे बड़े पैमाने पर दंगों को जन्म दिया है और कई ग्रहों और तारा मंडलों की कानून और व्यवस्था एक के बाद एक ढह गई है। मैं यहाँ अपने समय के दौरान नीले ध्रुव तारे के नियमों को टूटने से बचाने में सक्षम रहा हूँ, लेकिन पास के ग्रहों के नियमों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 2 महीने से भी कम समय में लगभग 10,000 ग्रहों को पूर्ण पतन का सामना करना पड़ा है। उनमें से आधे पूरी तरह से जीवन से शून्य है। ये भयानक पाप निस्संदेह मुझे सहन करना होगा।
यदि इस संसार में सच्चे ईश्वर का जन्म होता तो वे प्राकृतिक नियमों को बाधित नहीं करते क्योंकि वे प्राकृतिक व्यवस्था की रचना थे। लेकिन जी युआन एक बाहरी व्यक्ति थी जो प्राइमल कैस के बाहर से आई थी और उसकी शक्ति प्राइमल कैस के कानूनों को सहन करने के लिए बहुत अधिक थी। इससे भी बुरी बात यह है कि उसके अस्तित्व में आने से जो विपत्ति आई वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो ये बताना असंभव है कि प्राइमल कैस को मेरे अस्तित्व का आदि होने में कितना समय लगेगा और मेरे कारण कितने और तारा क्षेत्र और ग्रह नष्ट हो जाएंगे। चूंकि मैंने इस दुनिया के लिए अपने कुल के लोगों का बलिदान देने का फैसला किया है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। यह मेरा निर्णय है और मैं इसे नहीं बदल रहा हूँ। यह मेरे होंगर और यूलिया आपके और प्राइमल कैस के सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा है। जी युआन की आवाज यूचे के कानों में घुसी और उसके दिमाग में गूंजती रही लेकिन खत्म होने से इनकार कर रही थी। हाँ, ये सबसे अच्छा परिणाम था। शैतान देवता प्रारंभिक अराजकता में नहीं लौटेंगे और शैतान सम्राट ने स्वयं एक बार और सभी के लिए चले जाने का वादा किया था। यह इतना असंभव सुखद परिणाम था कि यह वास्तव में सपने जैसा था। तो फिर वह ऐसे नतीजे से खुश क्यों नहीं था? युनचे को खुद को शांत करने में थोड़ा समय लगा और फिर उसने पूछा, आप कब जा रहे हैं? अब से 9 दिन बाद, जी यान ने कहा। उससे भी देर हो सकती है और बहुत देर हो सकती है। यदि शैतान देवता सफलतापूर्वक दीवार के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए और प्रारंभिक अराजकता में बाढ़ आ गई तो स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। ।। युचे एक बार फिर चुप हो गया। क्या मेरी छवि आपके दिल में अचानक बहुत बड़ी हो गई? जी युआन ने पूछा। युचे ने पूछने से पहले सिर हिलाया, तुम शैतान हो। आप उन सामान्य मनुष्यों के लिए इतनी दूर जाने को क्यों तैयार है जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है? अरे, वह शैतान कहता है। जी युआन मुस्कुराया। हाँ, मैं शैतान हूँ, लेकिन मैं शैतान भी हूँ जो उसके योग्य है। ।। युचे धीरे से कहने से पहले मुस्कुराया, ये सही है। मैं अंततः समझ गया कि विधर्मी ईश्वर ने आपके साथ रहने की सबसे बुरी वर्जना को क्यों तोड़ा और आपको खोने के बाद उसने सृजन ईश्वर की उपाधि क्यों त्याग दी। आप निश्चय ही उसके योग्य है। आप पूरी दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उसके लिए अधिक योग्य हैं। इस समय जी युआन के प्रति उसका सम्मान उसके डर से कहीं अधिक था। हालांकि जी युआन ने युचे के भावपूर्ण शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक उसने युचे से एक सवाल पूछा, मुझे जवाब दो युचे, क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया मेरे बलिदान के लायक है? युचे ने ऊपर देखा और कहा, अगर मैं तुम होती तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाती सीनियर, लेकिन आदिम अराजकता के एक स्वार्थी प्राणी के रूप में मेरा मानना है कि यह इसके लायक है। वर्तमान प्रारंभिक अराजकता निस्संदेह पुरानी दुनिया की तुलना में नीच और कमजोर है। इसने देवताओं और शैतानों के निधन के बाद से अपने स्वयं के स्थिर कानून और जीवित रहने के परिपक्व नियम, स्थिर विमान और दुनिया भी विकसित की है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि इस दुनिया में कई घृणित और अंधेरे कोने हैं और कुछ एक व्यक्ति को निराशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अंततः मेरा मानना है कि इस दुनिया में अच्छाई अंततः बुरे पर भारी पड़ती है। अगर और कुछ नहीं तो मेरा मानना है कि मुझे जो कुछ भी सुरक्षित रखना है वह इसके लायक है। जी युआन उसका उत्तर सुनते समय अस्वाभाविक रूप से चौकस दिखाई दी। अंत में उसने युचे की ओर देखा और कहा, अच्छा, मुझे आशा है कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस पर विश्वास कर सकेंगे। लेकिन उसकी पुतलियां अचानक काली पड़ गईं और उसकी आवाज गहरी हो गई। ये याद रखें युचे, यदि आपने उस समय हांगा को नहीं बचाया होता, यदि आपने पिछले कुछ वर्षों से युवा की देखभाल नहीं की होती तो मैं कभी भी इतनी जल्दी अपनी शिकायत नहीं छोड़ पाता। यदि आप मेरे विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं होते और हांगा और युवा का भविष्य नहीं होते तो मैं आज अपने निर्णय पर कभी नहीं पहुंच पाता। तो आप ही हैं जिसने इस दुनिया को बचाया। आपसे बढ़कर मसीहा कहलाने का हकदार कोई नहीं है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग से होंगर को बचाने का उनका प्रयास एक घातक मुठभेड़ था। उसने यू एयर से बार बार मिलने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि यू एयर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ उनकी आकस्मिक मुठभेड़ से प्राइमल कैस का पूरा भाग्य बदल जाएगा और अनगिनत लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं लिख नहीं सकता, जैसे कि युचे ने असमंजस में पूछा, आज तक मैं निश्चित नहीं हो सका कि ये दुनिया मेरे लोगों का बलिदान देने लायक है या नहीं। मुझे इस बात पर भी कम यकीन है कि आपके द्वारा बचाई गई ये दुनिया एक दिन आपको धोखा नहीं देगी।
तुम्हें धोखा देना मेरी बेटियों को धोखा देना है। तुम्हें और मेरी बेटियों को धोखा देना इस दुनिया की रक्षा के लिए मैंने जो कुछ भी बलिदान किया है उसके साथ विश्वासघात करना है। इसलिए जी युआन की आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने यूनचे के दिल पर प्रहार किया क्योंकि उनके चारों ओर की दुनिया अंधकार में हो गई थी। यूनचे जी युआन की हरकत पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। बूम, यूनचे के दिल से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई जिसके बाद काली रोशनी का विस्फोट हुआ और काले रंग की ऊर्जा की घनी धुंध फूट पड़ी। यह उसकी अपनी शक्ति का प्रकटीकरण था, जी युआन का नहीं। अभी उसकी गहन रगों के अंदर की गहरी गहरी ऊर्जा और शैतानी ऊर्जा का गोला एक अंधेरे राक्षसी जानवर की तरह प्रचंड रूप से दौड़ रहा था जो अपनी नींद से जाग गया था। यूनचे के बाल तैर रहे थे और उसकी आंखें अथाह खाइयों की जोड़ी की तरह चमक रही थी। लगभग 1.5 मीटर लंबी एक अंधेरी गहरी संरचना अचानक उसके सीने के सामने उभर आई। ये जी युआन के नियंत्रण में तेजी से घूमा और सिकुड़ते भावर की तरह छोटा और छोटा होता गया। अंततः यह उसके दिल में पूरी तरह से गायब हो गया। जी युआन ने अपनी हथेली यूनचे की छाती से दूर कर दी और उसके आसपास की काली ऊर्जा एक पल में नष्ट हो गई। यूनचे होंफते हुए आधा कदम पीछे हट गया। हालांकि अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से अपने शरीर का स्कैन करने के बाद उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हुई या कुछ भी गलत नजर नहीं आया। वरिष्ठ, उसने जी युआन की ओर देखा और आशंकित स्वर में पूछा, आराम करो। जी युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने उसे आधी मुस्कान दी और कहा, मैं बस तुम्हारे अंदर एक बीज बो रही थी। एक बीज? यह अंधकार का बीज है, जी युआन ने शांति से कहा। यदि ये दुनिया उस आशापूर्ण दुनिया से कभी नहीं भटकती जिसके बारे में आप बात करते हैं तो ये कभी भी जागृत नहीं होगी। लेकिन अगर एक दिन आप पूरी तरह से इस दुनिया के प्रति निराशा और नफरत से भर जाते हैं तो इसका विपरीत होगा। जी युआन के स्वर और अजीब अभिव्यक्ति के कारण यूनचे का दिल कसकर बंद हो गया। उन्होंने पूछा, क्या इसके जागने के बाद क्या होगा? आपको पता चल जाएगा जब ऐसा होगा। जी युआन ने उसे सीधा जवाब नहीं दिया। अंधकार के इस बीज में मेरे मूल शैतान रक्त की 3 बूंदें भी शामिल है। एक बार जब आप उन्हें पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे तो वे आपकी ताकत बढ़ा देंगे, आपके संविधान को एक नए स्तर पर ले आएंगे और आपकी गहरी नसों के अंदर रखी 6ठी और 7वीं सीलनी जुबान को खोल देंगे। जी युआन का मूल रक्त शैतान भी एक शैतान सम्राट का मूल रक्त था। ये कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने ईश्वर युग के बाद पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तुम्हें अपनी अंधेरी गहन कला इटर्नल डार्कनेस कैलामिटी भी दी है। मैं अकेला हूँ जो इसे विकसित कर सकता हूँ, लेकिन मेरे शैतान के खून को सोखने के बाद आपको भी इसे विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार मैंने तुम्हें इटर्नल डार्कनेस कैलामिटी के अलावा वे सारी गहन गहन कलाएं दे दी हैं जो मैंने कभी विकसित की थी। आप जिस भी गहन कला को विकसित करना चाहते हैं उसे विकसित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। शैतान सम्राट की गहन कलाएं निश्चित रूप से विधर्मी ईश्वरीय कलाओं और जीवन के दिव्य चमत्कार के समान स्तर पर थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अंधकार की गहन ऊर्जा का शिखर था। हालांकि ये सब तभी संभव है जब अंधेरे का बीज जागृत हो, इसलिए आपको इन्हें अभी भूल जाना चाहिए, जी युआन ने शांत भाव से कहा। मुझे यकीन है कि आप कभी भी ऐसा दिन सच होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। अपने सदमे पर काबू पाने के बाद यूनचे ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीजें खो दी हैं, लेकिन अंत में मैंने हमेशा उन सभी को वापस पा लिया है। मैंने निराशा के कई क्षणों का अनुभव किया है, लेकिन सुरंग के अंत में हमेशा एक रोशनी होती थी। मुझे भी अनगिनत बार द्वेष का सामना करना पड़ा है, लेकिन बार बार मेरे जीवन ने मुझे बताया है कि इस दुनिया में द्वेष से कहीं अधिक अच्छाई है। इस दुनिया के शीर्ष पर बैठे लोग भी एक स्थिर व्यवस्था की कामना करते हैं। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र विशेष रूप से एक ऐसी दुनिया है जो सभी प्रारंभिक अराजकता की शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वर्जित और बुराई को दंडित करने का प्रयास करती है, यूनचे ने कहा। इसलिए मुझे यकीन है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मुझे यकीन है कि आप इस निर्णय पर पहुंचे हैं क्योंकि आपका भी यही मानना था, सीनियर जी युआन। मुझे विश्वास है कि आपका नाम उन सभी लोगों द्वारा फैलाया जाएगा जो सच्चाई जानते हैं। दुनिया के लोग आपका नाम कभी नहीं भूलेंगे और वे वर्तमान में मौजूद शांति और स्थिरता की और भी अधिक सराहना करेंगे। ये शैतानों के प्रति दुनिया की धारणा को हमेशा के लिए बदलने के लिए भी पर्याप्त हो सकता है। जी युआन ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। अंत में उसने यूनचे की ओर पीठ की और कहा, जाओ जाओ और वही करो जो एक मसीहा को करना चाहिए। मैं अपना निर्णय स्वयं उन लोगों को बताऊंगा। क्लाउड्स एंड क्लिफ को छोड़ने के बाद यूनचे ने कियाने यंग र को पकड़ लिया और वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस को बाहर ले आया।
फिर उन्होंने तीव्र गति से पूर्वी दिव्य क्षेत्र की ओर यात्रा की। हालांकि वे स्नो सॉन्ग क्षेत्र की ओर नहीं जा रहे थे, वे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। क्या कहा आपने? शाश्वत स्वर्ग दिव्य हॉल के अंदर शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट यूचे की बात सुनते ही धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उसकी सफेद दाढ़ी ऐसे हिलती रहती थी मानो हवा के झोंके से उड़ रही हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूचे जो कह रहा था उस पर उसे एक शब्द भी विश्वास नहीं हो रहा था। वरिष्ठ शैतान सम्राट ने स्वयं मुझे ये बताया है। यूचे शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उन्होंने अपना भाषण धीमा कर दिया और बहुत गंभीरता से कहा, यह पूरे ईश्वर क्षेत्र और प्रारंभिक अराजकता के लिए मायने रखता है। मैं इसे जरा भी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। हाँ, कैसे? ये कैसे संभव है? ये कैसे है? शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट की आंखें पूरी तरह गोल थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग की धुन से सुशोभित हो। यूचे की तरह खबर सुनने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया उत्साह या पागल खुशी नहीं थी, बल्कि सदमा, भ्रम और अविश्वास थी। मानव स्वभाव के अपने सभी ज्ञान और अनुभव और शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के रूप में अपनी मानसिक दृढ़ता के बावजूद उन्होंने खुद को उन शब्दों को समझने में असमर्थ पाया जो उन्होंने सुने थे। एक प्राचीन शैतान सम्राट जो एक उंगली से पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता था ने खुद को और अपने शेष कुलों को उन जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए बलिदान करने का फैसला किया था जो उसके सामने चींटियों की तरह थे। वह बिल्कुल भी समझ नहीं सका। ये कुछ ऐसा था जो केवल एक संत, एक सच्चा संत ही कर सकता था, लेकिन वह एक शैतान थी। शैतानों में भी किसी सम्राट से कम नहीं। क्या स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने सचमुच ये सब स्वयं कहा था? ये दूसरी बार था जब उसने पहले ही वही प्रश्न पूछा था। हाँ, यूचे ने कहने से पहले फिर से सिर हिलाया, अपनी ताकत के साथ उसे खुद को नीचा दिखाने और हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ शैतान सम्राट भी वही है जिन्होंने मुझसे आप सभी को इस बारे में सूचित करने के लिए कहा था। अब से 8 दिन बाद वह चली जाएगी और वह व्यक्तिगत रूप से उस स्थानिक मार्ग को नष्ट कर देगी जिसे उसने वर्ल्ड पियसर के साथ खोला था, जिससे शैतान देवताओं और खुद को आदिम अराजकता से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने यूचे को देखा। उसके चेहरे की हर मांसपेशी कांप रही थी क्योंकि उसकी उत्तेजना बहुत ज्यादा थी। वह निस्संदेह इस अवधि के दौरान पूरी दुनिया में सबसे अधिक चिंतित व्यक्ति था और उसने हर जागते हुए क्षण को ईश्वर क्षेत्र के भविष्य और शैतान देवताओं की वापसी के कारण उत्पन्न होने वाली अनगिनत संभावनाओं के बारे में चिंता करते हुए बिताया था। लेकिन अब यूचे उसे बता रहा था कि शैतान देवता वापस नहीं लौटेंगे और शैतान सम्राट स्वयं प्रारंभिक अराजकता को छोड़ देगा। जैसे ही उसने यूचे को देखा और उसकी आवाज सुनी, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को परीक्षण करना पड़ा खुद को बार बार यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं था। अच्छा, अंततः ये विश्वास करने में सक्षम हुआ कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट मुस्कुराए जैसे कि उनके शरीर से 1 अरब टन दबाव हटा दिया गया हो। उसकी राहत इतनी बड़ी थी कि अभूतपूर्व स्तर की थकावट ने उसे घेर लिया था और उसकी आंखों में वास्तव में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा, स्वर्ग को धन्यवाद। अंत में वरिष्ठ शैतान सम्राट ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने प्रस्थान की घोषणा करेगी, इसलिए कृपया जितनी जल्दी हो सके भगवान सम्राट और दायरे के राजाओं को आमंत्रित करें। मुझे यकीन है कि वे वरिष्ठ शैतान सम्राट का आश्वासन अपने कानों से सुनना चाहेंगे। जब यूचे ने ये कहा तो वह स्वयं असंख्य भावनाओं का अनुभव कर रहा था। यह एक स्वप्न जैसा परिणाम था जिसकी कोई भी संभवतः भविष्यवाणी या कल्पना नहीं कर सकता था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के आगमन और प्राइमल कैस को छोड़ने के उसके फैसले को केवल 2 महीने हुए थे। उसने ईश्वर क्षेत्र के प्रत्येक मालिक को बहुत आतंकित कर दिया था और यदि वह वास्तव में प्रारंभिक अराजकता का स्वामी बनना चाहती थी तो दुनिया में कोई भी नहीं था जो उसे रोक सके। हालांकि उसने सबसे असंभव विकल्प चुना था। उसने स्वेच्छा से एक गुजरती यात्री बनना चुना था और कुछ नहीं। यूचे की बात समाप्त होने के बाद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट चिल्लाए, तायु, तुरंत सभी लोगों में संदेश भेजो। द वॉइस ऑफ इटर्नल हेवन ने जल्द ही सभी क्षेत्रों को ये खबर दी। कुछ को पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में भी भेजा गया। थोड़े समय बाद अनगिनत शीर्ष श्रेणी के गहरे जहाज प्रत्येक ऊपरी तारा क्षेत्र और राजा क्षेत्र से लॉन्च हुए और अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की ओर उड़ गए। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र से निकलते हुए टूटते सितारों की कई श्रृंखलाएं भी देखी जा सकती हैं। ये शैतान सम्राट के आगमन के दिन जैसा ही था, सिवाय इसके कि पहले से कहीं अधिक लोग थे।
पूर्वी दैवीय क्षेत्र के लगभग हर उच्च क्षेत्र के राजा शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र में पहुंचे थे और इस बार दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के सभी 4 देव सम्राट और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 1 राजा और 5 देव सम्राट भी पहुंचे थे। इसका मतलब ये था कि लापता स्टार गॉड सम्राट को छोड़कर सभी 3 दिव्य क्षेत्रों में प्रत्येक देव सम्राट को अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में इकट्ठा किया गया था। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये स्पष्ट था कि वे तब तक आराम नहीं कर सकते थे जब तक कि वे स्वयं स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट से यह न सुन ले। सम्मानित देव मंच पर तीनों दिव्य क्षेत्रों से कुल 13 देव सम्राट एकत्रित हुए थे। अकेले उनकी अदृश्य उपस्थिति की शक्ति अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र के स्थान को हिला रही थी और सभी उच्च क्षेत्र के राजाओं को दबा रही थी। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखने की किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अविश्वसनीय संख्या में मौजूद लोगों के बावजूद मंच आश्चर्यजनक रूप से शांत था। समय समय पर लोग अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को देखते थे, लेकिन अनंत स्वर्ग ईश्वर सम्राट ने अपनी सीट से एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। हालांकि देव सम्राट बाहर से शांत और संयमित दिखते थे, लेकिन उनकी कांपती भौहों ने इस तथ्य को उजागर किया कि वह वास्तव में इतने शांत नहीं थे। युनचे उसके ठीक बगल में बैठा था। उनका पद अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के किसी भी संरक्षक या प्रवर्तक से ऊंचा था। समय चुपचाप और धीरे धीरे बीतता गया। उनके आने के बाद से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हर कोई जानता था कि आने वाली घटना वस्तुतः प्राइमल कैस के भाग्य का फैसला करेगी और वे अपनी सांसें रोककर और अपने उत्साह को नियंत्रित करने में मदद नहीं कर सकते थे, चाहे वे कितने भी अभूतपूर्व रूप से विशाल क्यों न हो। यहाँ तक कि देव सम्राटों ने भी इस भयानक सन्नाटे को तोड़ने का साहस नहीं किया। अंत में कॉन्फेट गॉड स्टेज के आकाश पर एक गहरी काली छाया दिखाई दी। उसने कोई दबाव नहीं छोड़ा था। उसने ऐसी कोई उपस्थिति भी प्रदर्शित नहीं की जिसका कोई पता लगा सके। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुई, प्रत्येक देव सम्राट, दिव्य गुरु और यहाँ तक कि सम्मानित देव मंच की आध्यात्मिक ऊर्जा एक पल में बिखर गई, जिससे केंद्र में एक विशाल भयानक शून्यता रह गई। ये कई लंबी सांसों तक चलता रहा, इससे पहले कि आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः कांपते हुए वापस केंद्र में प्रवाहित हो गई। सभी की सांसें थम गईं और एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल सभी लोग लगभग एक ही समय पर अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपने सामान्य रूप से गर्वित सिरों को यथासंभव गहराई से झुकाया। आपका स्वागत है स्वर्ग में शैतान को हराने वाले सम्राट। 13 देव सम्राटों ने देव क्षेत्र में मौजूद सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व किया और उच्च क्षेत्र के राजाओं ने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की जीवन रेखा को नियंत्रित किया। हालांकि अभी इनमें से हर एक व्यक्ति एक महिला के सामने झुक रहा था और उनके जीवन और आत्मा से पैदा हुआ प्राकृतिक भय और समर्पण इतना जबरदस्त था कि उनकी इच्छा शक्ति एक पल के लिए पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यह अभूतपूर्व दृश्य किसी भी ईश्वरीय क्षेत्र के गहन अभ्यासियों के सामान्य ज्ञान को खंडित करने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 1506 से 1510 जी युआन ने कॉन्फ्लिक्ट गॉड स्टेज पर किसी एक व्यक्ति को घूरने के बजाय पूर्व की ओर देखा। उसने रुखाई से कहा, आप सभी को पता होना चाहिए कि यह शासक यहाँ क्यों है। उसके भावहीन शब्दों ने एक पल के लिए सभी की सांसें और धड़कनें रोक दी। हम्फ जी युआन ने जारी रखने से पहले ठंडे स्वर में कहा, मेरे लोग एक महीने में लौट रहे हैं और सच कहा जाए तो यह शासक इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता कि वे क्या करने जा रहे हैं या आप में से बाकी लोगों के साथ क्या होगा। लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है। इस शासक ने निर्णय लिया है कि उसके लोग प्रारंभिक अराजकता की ओर नहीं लौटेंगे। अब से 6 दिन बाद वह स्वयं भी प्राइमल कैस छोड़ देगी। आप में से बहुतों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी युआन उदासीनता से घूमी और ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां से जाने वाली थी। हर कोई शुरू से ही यह जानता था, लेकिन खुद जी युआन से ये सुनने के बाद भी उन्होंने उत्साह से उनकी छाती फटने की धमकी दी। जी युआन की वापसी के बाद से प्राइमल कैस के इन सर्वोच्च शासकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग के आकार का पहाड़ उनके सिर के ऊपर लटक रहा था और उन्हें अधीनता के लिए मजबूर कर रहा था। ये भी सच था कि जब से उन्हें पता चला कि लगभग 100 घृणित शैतान देवता वापस आ रहे हैं, तब से वे दिन रात चिंतित रहते थे। लेकिन अभी जी युआन ने व्यक्तिगत रूप से इस आपदा को लगभग काल्पनिक अंदाज में समाप्त करने के लिए अपना वचन दिया था। वे कैसे अति प्रसन्न नहीं हो सकते थे। अभी उपस्थित प्रत्येक देव सम्राट को कृतज्ञता के आंसू बहाने का मन हो रहा था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने ऊपर देखा और जी युआन की ओर एक कदम बढ़ाया। फिर उन्होंने अनियंत्रित उत्साह के साथ कहा, हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि वरिष्ठ शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता के लोगों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने को तैयार थे। हम आपकी दया, करुणा और सदाचार को कभी नहीं भूलेंगे। ये शर्म की बात है कि हम इतने नीच हैं कि आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते।
कम से कम इस बूढ़े से तो प्रणाम स्वीकार करे। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के शब्दों और कार्यों ने बाकी लोगों की श्रद्धा को तोड़ दिया और उन सभी को भी गहराई से झुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय के लिए उनकी कृतज्ञता भरी चीखों से वातावरण गूंज उठा। करुणा गुण। लेकिन जी युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने होठों को सिकोड़कर उपहास किया, जैसे कि उसने कोई चुटकुला सुना हो। तुम कितने मूर्ख और भोले भाले इंसान हो। क्या आपने सचमुच सोचा कि यह शासक आपके लिए ऐसा कर रहा है? अरे, क्या आपने गंभीरता से सोचा कि ये दयनीय दुनिया इस शासक के बलिदान के लायक है? अनंत स्वर्ग देव सम्राट और बाकी लोग जो वहां उपस्थित थे उसका उत्तर सुनकर अनिश्चय की स्थिति में पड़ गए। एक व्यक्ति है जिसे आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। जी युआन ने ठंडे स्वर में कहा, यह शासक केवल मृत्यु और विनाश ही लाता है। कौन सा एहसान, कौन सा गुण, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग और ये दुनिया मेरे ध्यान के योग्य है? इस शासक ने जाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि किसी ने उसे उसके जीवन भर के पछतावे से मुक्त कर दिया है और उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। यह शासक स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट है। एकमात्र नश्वर व्यक्ति का उपकार करना मेरे अधीन है। इस शासक ने अपने कुल के लोगों को त्यागने और प्रारंभिक अराजकता को छोड़ने का कारण केवल एहसान चुकाना और अपना वादा पूरा करना है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति यूचे है। थोड़ी देर के लिए हर कोई सदमे और अविश्वास से यूचे को देख रहा था। आपको उसका नाम और उसकी पुण्य उपलब्धि जीवन भर याद रहेगी। ये कभी न भूले कि जब आप प्रारंभिक अराजकता में जीवन का आनंद ले रहे थे तो वह कौन था जिसने आपको निराशा के कगार से बचाया था। जी युआन काली रोशनी की किरण में तब्दील हो गई थी और अपनी बात पूरी करने से पहले ही हर किसी की दृष्टि और इंद्रियों से गायब हो गई थी, और वह दबाव जो नीले आकाश से भी बड़ा और डरावना था वही गायब हो गया। हर किसी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके कंधों से कोई पहाड़ उतर गया हो, और जब अंततः उनके शरीर में राहत पहुंची तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे थक गए हो। लेकिन उसकी जगह भी जल्द ही बेतहाशा खुशी ने ले ली। हालांकि आपदा वास्तव में नहीं हुई थी, लेकिन सुरंग के अंत में रोशनी देखने का एहसास सबसे ज्यादा मजबूत कभी नहीं हुआ था। ये सच है, ये वास्तव में सच है, किलिन सम्राट ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 5 देव सम्राटों में से एक होने के बावजूद भी उसकी अश्रु वाहिनी से एक आंसू लगभग निकल चुका था। ये सब यूचे का धन्यवाद है। उसके बगल में बैठे ब्लू ड्रैगन सम्राट ने यूचे की ओर देखा और कहा, सचमुच वह एकमात्र व्यक्ति है जो गॉड चाइल्ड मसीहा की उपाधि का हकदार है। किलिन सम्राट ने कहा, स्थिति या वरिष्ठता की परवाह किए बिना वह हमारे तहे दिल से धन्यवाद के पात्र है। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने लॉन्ग बाई की ओर देखा और पूछा, आप क्या सोचते हैं ड्रैगन मोनार्क? आप जा सकते हैं, ड्रैगन मोनार्क ने भावहीन भाव से उत्तर दिया। अभी यूचे पूरी तरह से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर हर कोई एक शीर्ष स्तरीय दिव्य गुरु था। उन्होंने ऐसा एक बार किया था जब जी युआन शुरू में प्राइमल कैस में लौट आया था। उस समय वे उम्मीद कर रहे थे कि यूचे स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट का मन बदल सकता है क्योंकि वह विधर्मी भगवान का उत्तराधिकारी था। आखिरकार उसके रुख में मामूली बदलाव से भी बहुत कम विनाश होगा और कम जाने जाएंगी। किसी ने नहीं सोचा था कि यूचे स्वयं स्वर्ग के शैतान सम्राट से ऐसा काल्पनिक वादा प्राप्त कर सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि स्वर्ग का शैतान सम्राट उसके कुल के लोगों को प्रवेश करने से रोकने और आदिम अराजकता को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा करेगा। इससे भी बेहतर, हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने स्वयं कहा था कि यूचे ही वह कारण था जिसके कारण उसने अपना मन बदला था। गॉड चाइल्ड यून, कृपया इस पुराने से एक धनुष स्वीकार करे। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी पीठ झुकाने से पहले कहा। वह पूर्वी दैवीय क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय देव सम्राट थे और पूरे देव क्षेत्र में लगभग हर शीर्ष गहन अभ्यासकर्ता अभी यहाँ एकत्र हुए थे। हालांकि उनका धनुष लगभग 90 डिग्री के कोण पर था और उनके पीछे उनके बच्चे, पोते, पोतियां और अभिभावक भी गहराई से झुक रहे थे। यूचे ने कहा, ये बहुत ज्यादा है सीनियर। मैं इस दुनिया के सदस्य के रूप में बस अपने स्वार्थ में कार्य कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने वास्तव में इतना कुछ नहीं किया है। वरिष्ठ शैतान सम्राट ने अंततः उसका मन बदलने का निर्णय लिया। आप गलत हैं, गॉड चाइल्ड यून, अनंत स्वर के देवता सम्राट ने गंभीरता से कहते हुए अपना सिर हिलाया। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो शैतान देवताओं ने अपनी वापसी के बाद ईश्वर क्षेत्र और संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता में तबाही मचा दी होती। संपूर्ण विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में इससे बढ़कर कोई प्रणाम, प्रशंसा या कृतज्ञता नहीं है जिसके आप पात्र न हो। भावी पीढ़ियों सहित इस संसार में हर किसी को आपका नाम अनंत काल तक याद रखना चाहिए।
जब शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने ये कहा तो वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित लग रहे थे और उनके आसपास के दिव्य गुरु भी गहरी सहमति में सिर हिला रहे थे। बिल्कुल अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की तरह वे युनचे के प्रति प्रशंसा और नमन से भरे हुए थे। भगवान बालक मसीहा। इस दिन के बाद से यह उपाधि केवल भरोसा करने की आशा नहीं रही, यह एक दिव्य उपाधि थी जो हर किसी के दिमाग में रहेगी और युनचे के साथ जीवन भर रहेगी। युनचे ने भीड़ के पार देखा और तुरंत जिया क्विंगयू को देखा। आखिरकार जब उनकी नजरें मिली तो उसने उसे हल्की सी मुस्कान दी। ये सबसे अच्छी मुस्कान थी जो उसने जिया क्विंगयू की उस दिन से देखी थी जब उन्होंने एक दूसरे को फिर से ईश्वरीय क्षेत्र में देखा था। ये हल्की बारिश की तरह उसके दिमाग में घुस गया और इसने उसके चेहरे पर एक अचेतन गर्म मुस्कान भी ला दी। 2 घंटे बाद भीड़ ने अंततः युनचे को छोड़ दिया, लेकिन किसी ने भी अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र को नहीं छोड़ा था। हर कोई जानता था कि स्वर्ग का शैतान सम्राट कुछ दिनों में प्राइमल कैस की सबसे पूर्वी दीवार पर स्थानिक मार्ग से निकलने वाला था। साथ ही वह स्थानिक मार्ग को नष्ट कर देगी और इस आपदा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। स्वाभाविक रूप से कोई भी इस ऐतिहासिक क्षण को चूकना नहीं चाहता था। यह वह क्षण था जब प्रारंभिक अराजकता का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह एक ऐसा क्षण भी था जो कभी दोहराया नहीं जाएगा। युनचे ने भी नहीं छोड़ा, वह अकेले ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की तलाश में गया था। सीनियर, ये जूनियर आपसे कुछ चर्चा करना चाहता है। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने युनचे के प्रति अपना रवैया फिर से काफी बदल दिया था। युनचे के साथ अपने स्तर से बहुत नीचे के जूनियर की तरह व्यवहार करने के बजाय उन्होंने उसे एक गर्म मुस्कान दी और सम्मान पूर्वक कहा, हे भगवान बच्चे युन, तुम्हें इतनी विनम्रता से काम करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भी चीज की आवश्यकता हो बेझिझक मुझे निर्देश दे। न केवल वह एक सच्चे मसीहा और स्वर्ग से आए उपहार की तरह ही युनचे से बात कर रहा था, बल्कि वह उससे निर्देश भी मांग रहा था। युनचे ने जल्दी से उत्तर दिया, ये जूनियर आपको कुछ भी करने का निर्देश देने की हिम्मत नहीं करता। सीनियर, मैं जिस मामले पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह कुछ ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करेगा, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे तुरंत खारिज करने के बजाय मुझे समझाने के लिए कुछ समय दे। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट अभी भी मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, हे बस मुझे कुछ भी बताओ जो तुम्हें चाहिए। यदि यह बूढ़ा इसे पूरा कर सकता है तो वह अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता है। ये दुष्ट शिशु के बारे में है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट की अभिव्यक्ति एक पल के लिए थम गई, लेकिन वह बिना कुछ कहे युनचे के जारी रहने का इंतजार करता रहा। वरिष्ठ, मुझे यकीन है कि आप यह अनुमान लगाने में काफी चतुर हैं कि मुझे मेरी विधर्मी ईश्वरीय दिव्य शक्तियां कहां से मिली। युनचे ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को शांति और ईमानदारी से देखा। थोड़ी देर रुकने के बाद देव सम्राट ने धीरे से आह भरते हुए कहा, यह दुष्ट शिशु था है ना। ये खबर कि स्वर्गीय वत्स सितारा भगवान ने विधर्मी भगवान की विरासत प्राप्त कर ली है उस समय काफी गर्म विषय था। हालांकि बहुत कम लोगों को विश्वास था कि यह वास्तविक है, व्यवहारिक रूप से यह सभी को ज्ञात था। युनचे के आसपास की विचित्रताएं, स्टार गॉड दायरे में उनका पागलपन भरा आरोप, अब सार्वजनिक तथ्य कि युनचे के पास विधर्मी भगवान की दिव्य शक्ति थी और सबसे गंभीर स्वर में दुष्ट शिशु का उनका उल्लेख। बेशक शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने बिंदुओं को जोड़ दिया था, ये सही है। युनचे ने सिर हिलाया। उसने दूसरों को जैस्मीन को दुष्ट शिशु के रूप में संबोधित करने से न तो इनकार किया और न ही करेगा, क्योंकि उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह स्वीकार नहीं करेगा। जैस्मीन दुष्ट शिशु थी और दुष्ट शिशु जैस्मीन थी। एक दशक से भी पहले एक अफवाह थी कि वह मर गई थी, है ना? दरअसल उस दौरान वह मेरे साथ थी। ये सच है कि उसने दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में विधर्मी भगवान की विरासत प्राप्त की थी और कुछ विशेष कारणों से उसने हमारी मुलाकात के बाद खुद के बजाय मुझ पर इसका इस्तेमाल करना चुना। इसका मतलब यह है कि अगर वह नहीं होती तो ये सब नहीं होता, युनचे ने गंभीरता से कहा। दूसरे शब्दों में वह वही है जिसने वास्तव में हम सभी को बचाया। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्होंने एक आह भरते हुए कहा, लेकिन वह अब स्वर्गीय वत्स्टार भगवान नहीं है जिसे हम अब जानते हैं। वह सबसे डरावने, सबसे पापी दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र से ग्रस्त हो गई है ना? आप गलत हैं, सीनियर, आप सभी शुरू से ही गलत थे। वह असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के चक्र में कभी नहीं फंसी है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। आपका क्या मतलब है? युनचे ने धीरे से कहा, असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु का पहिया बहुत समय पहले से उसके अंदर था। हालांकि दुष्ट शिशु उसे अपने मेजबान के रूप में उपयोग नहीं कर रहा था, इसने उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया था।
वह दुष्ट शिशु है, लेकिन वह दुष्ट शिशु नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह दुष्ट शिशु की स्वामी और मुख्य नियंत्रक है। मैं शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की भ्रांति बनी रही। हालांकि ये युनचे के शब्द थे, फिर भी उसे उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन इविल इन्फेंट की ताकत इतनी बड़ी है कि रिकॉर्ड पढ़ने से भी किसी की रीढ़ में ठंडक आ जाती है। स्तर की दृष्टि से यह शायद सृष्टि के देवताओं और शैतान सम्राटों से भी ऊंचा है। इस भयानक वस्तु को सृष्टि के देवता और शैतान सम्राट जैसे लोगों द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो यह संभवतः एकमात्र नश्वर को स्वामी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट पूरी तरह से सही थे। यह एक ऐसा तर्क था जिसका पालन हर कोई कर सकता था। यूं चे ने कहा, आप सही हैं, सीनियर। दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का पहिया उस स्तर पर है जहां उसकी ताकत और उसकी इच्छा शक्ति हम जैसे लोगों के लिए पूरी तरह से अथाह है। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि आप विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि स्वर्गीय वत्स सितारा भगवान नियंत्रण में है, वरिष्ठ। हालांकि मुझे यकीन है कि आपने कल्पना नहीं की थी कि वरिष्ठ शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता की रक्षा के लिए अपनी जाति और खुद को निर्वासित करने का विकल्प चुनेगा। क्या आपने सोचा था? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट शब्दों से भ्रमित थे। जब दुष्ट शिशु के असंख्य कष्टों के चक्र ने देवताओं और शैतानों का विनाश किया, तो उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और विधर्मी भगवान द्वारा उसे सील कर दिया गया था। ये स्वाभाविक रूप से ठीक होने में असमर्थ था, जबकि इसे इतने वर्षों में सील कर दिया गया था और इसके बजाय विधर्मी भगवान द्वारा छोड़ी गई शक्ति द्वारा इसे और भी अधिक नष्ट कर दिया गया था। 10 लाख वर्षों के बाद विधर्मी भगवान द्वारा छोड़ी गई मुहर गायब हो गई थी और असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु का पहिया, जो सील से टूट गया था, स्वाभाविक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में था। यह इतना कमजोर था कि जैस्मीन, जिसे ये गलती से मिल गया था, इसे फिर से सील करने में सक्षम थी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, आदिम युग के बाद से असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के चक्र से न केवल देवता बल्कि शैतान भी डरते थे। इस प्रकार शैतान जाति ने इसे सील करने के लिए हमेशा अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया था। इसकी सील से मुक्त होने के बाद इसने असंख्य कष्टों का जहर फैलाया। इसका कारण लंबे समय तक सील किए जाने से पैदा हुआ संचित आक्रोश और नफरत था। इससे अधिक महत्वपूर्ण कारण जिसने देवताओं और शैतानों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वह ये था कि अपनी नाराजगी के अलावा इसे एक बार फिर से सील कर दिए जाने का डर था। जब वह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में था, तो वह व्यक्तिगत रूप से असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के चक्र की कलाकृति आत्मा से मिला। यह एक काली धुंध में डूबा हुआ था, लेकिन इसकी आकृति और यहाँ तक कि इसकी आवाज भी किसी अन्य शिशु के समान ही थी। इसकी अंधकार में शक्ति ब्रह्मांड की सभी अंधकार में शक्तियों के शीर्ष पर थी, फिर भी यह अंधकार और अकेलेपन से डरती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि कोई भी ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता था। दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का चक्र नाम के साथ उन्होंने जो एकमात्र चीज जोड़ी वह थी असीमित आतंक और दुनिया को नष्ट करने की उसकी कुख्याति। और क्योंकि उसे एक बार फिर से सील कर दिए जाने का डर था, उसने खुद को जैस्मीन के अधीन करने और उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया और अपनी इच्छा उसके अधीन कर दी। यूं चे ने यह नहीं बताया कि जैस्मीन को गुरु के रूप में स्वीकार करने का बड़ा कारण ये था कि वह अंधेरे और अकेलेपन से डरती थी, क्योंकि वह जानता था कि ये शब्द शेष ब्रह्मांड को केवल हास्यास्पद और बिल्कुल अविश्वसनीय लगेंगे। इसके अलावा इसकी अनुमति देने के पीछे जैस्मिन का मकसद ये था कि उसे डर था कि बुरे इरादे वाले अन्य लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग आपदा लाने के लिए कर सकते हैं। उसने कभी इसकी शक्तियों को जागृत करने की योजना नहीं बनाई थी। वह केवल इसे चुपचाप अपने शरीर में हमेशा के लिए रखना चाहती थी ताकि यह एक दिन शेष ब्रह्मांड को आतंकित न करे या किसी आपदा का कारण न बने। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, लेकिन क्या सीनियर को इसका कारण पता है कि दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का चक्र क्यों जाग गया? युनचे को पता था कि वह क्या कहने वाला है और उसने उसे रोक दिया। क्यों? अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूछा। फिर क्या सीनियर ने ठीक से पता लगा लिया है कि स्टार गॉड दायरे ने अपने दायरे को अलग करने के लिए एब्सोल्यूट स्टार सोल बैरियर का उपयोग करने में संकोच क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को आज तक भी इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्टार गॉड सम्राट का ठिकाना कई वर्षों से अज्ञात था और उसकी कोई भी खबर नहीं थी। इस बीच शेष स्टार देवताओं और बुजुर्गों ने अपने मुंह बंद कर लिए थे और अपने दायरे के अलगाव के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। मुझे लगता है कि सीनियर की क्षमताओं के साथ भी आज तक आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि स्टार गॉड दायरे ने जबरदस्ती अपने दायरे को अलग क्यों किया।
ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही उनमें 10,000 गुना साहस हो, वे निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करेंगे ये कहने के लिए जब तक उनमें जरा सी भी शर्म बची रहेगी, उन्हें इसके बारे में एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? युनचे के शब्दों ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के दिल को हिंसक रूप से उत्तेजित कर दिया था। स्टार गॉड रियलम ने इस मामले के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था और उन्हें बहुत पहले से पता था कि कुछ असाधारण घटित हुआ है, लेकिन उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हुआ था। फिर भी यह स्पष्ट था कि युनचे को पूरी सच्चाई पता थी। युनचे ने कहा, दुष्ट शिशु को सचमुच स्टार गॉड दायरे द्वारा प्रकट होने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि जैस्मिन, जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका समझता था, एक बार फिर उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। जब भी उसे उस समय की घटना याद आती है तो वह गुस्से में अपने दांत पीस लेता है। वह जुए जिनकोंग और स्टार गॉड दायरे को कभी माफ नहीं करेगा। तुरंत उन्होंने अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट को स्टार गॉड दायरे में आयोजित बलिदान समारोह का विस्तृत विवरण दिया और बताया कि कैसे स्टार गॉड सम्राट ने बार बार अपने ही बच्चों के खिलाफ साजिश रची थी। शाश्वत स्वर्ग भगवान के पास प्रचुर अनुभव था, लेकिन जब उन्होंने युनचे की कहानी सुनी तो उनके चेहरे पर गहरे सदमे की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हेवनली वुल्फ स्टार गॉड जिसु और हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड जैस्मीन, वे लोग जिन्हें स्टार गॉड दैवीय शक्तियों द्वारा चुना गया था, अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे। लेकिन उनके अपने पिता स्टार गॉड सम्राट, जो ईश्वर क्षेत्र के शिखर पर खड़े थे और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे ऊंचे अस्तित्व का प्रतीक थे, ने न केवल इसके कारण कोई अपराध या भावना महसूस की थी, बल्कि उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था। उन सभी को अपनी योजना में फंसाने के लिए यह विशेष बिंदु दुष्ट, घृणित और विकृत शब्द भी इस कृत्य का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह सोचने के लिए कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को इस ब्रह्मांड में उन लोगों में से एक माना जा सकता है जो स्टार भगवान सम्राट को सबसे अधिक समझते थे। फिर भी जब उन्होंने युन को सुना तो उन्हें सदमे और अविश्वास की गहरी भावना महसूस हुई। चे के शब्द पूर्वी क्षेत्र के साथी देव सम्राटों के रूप में, उन्हें इसके कारण गहरी शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ। यहाँ तक कि ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट, जो उनके जानने वालों में सबसे निर्दयी और ठंडे खून वाले व्यक्ति थे, ने हमेशा अपनी बेटी को एक खजाने की तरह माना था और वह कभी भी उस पर कोई आंच नहीं आने देते थे। मुझे इन सभी चीजों के बारे में तब एक विशेष कारण से पता चला और यही कारण है कि मैंने स्टार गॉड दायरे में अपना रास्ता बना लिया। मैं एब्सोल्यूट स्टार सोल बैरियर में भी प्रवेश करने में सक्षम था क्योंकि मेरे शरीर में स्टार गॉड का रक्त था जो उसने मुझे दिया था। युनचे ने इन बातों को सरल और गंभीर तरीके से बताया। दुर्भाग्य से मैं बहुत कमजोर था और अंत में कुछ भी सार्थक हासिल नहीं कर सका। इसके बजाय मैं लगभग अपनी जान गंवा चुका था और अंत में मैं केवल एक विशेष विधि के माध्यम से भागने में सफल रहा। हालांकि उन सभी ने सोचा कि मैं मर गया हूँ और इसमें जैस्मीन भी शामिल थी, और यह केवल अत्यधिक निराशा, हताशा और आक्रोश के कारण था जिसके कारण असंख्य क्लेश के दुष्ट शिशु के चक्र की शक्ति जागृत हुई। उस समय स्टार गॉड सम्राट ने शाश्वत स्वर्ग गॉड सम्राट को सूचित किया था कि युनचे की मृत्यु दुष्ट शिशु के हाथों हुई थी। आज ही के दिन शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट को पता चला कि वह वास्तव में स्टार गॉड दायरे की दुष्ट योजना में गिर गया था। पहले तो उसे बेहद सदमा और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके दिल में गंभीर डर बैठ गया। अगर युनचे वास्तव में उसी समय मर गया होता तो पूरी प्रारंभिक अराजकता इतनी भाग्यशाली नहीं होती कि शैतान की विपत्ति से बच पाती। सम्राट स्टार गॉड सम्राट ने न केवल अपनी मानवता और नैतिक मूल्यों के सभी निशान मिटा दिए, बल्कि वह गॉड क्षेत्र के इतिहास में लगभग सबसे बड़ा पापी बन गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिन जुएको का ठिकाना इतने वर्षों से अज्ञात है। जरा सोचिए, वह जानता होगा कि एक दिन सच्चाई उजागर हो जाएगी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए छिपने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि यदि ब्रह्मांड को पता चला कि उसने दुष्ट शिशु को जगाया है तो वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अनंत स्वर के देवता सम्राट ने जटिल भावनाओं की एक लहर के रूप में एक आह भरी और कहा, भगवान बच्चे यू, वास्तव में क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं सीनियर को यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सच्चाई समझें और सीनियर से मदद भी मांगे। युनचे को लगा कि उसका दिल आशंका से कांप रहा है, लेकिन उसकी नजर और लहजा असाधारण रूप से दृढ़ था और उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि सीनियर दुष्ट शिशु के अस्तित्व को स्वीकार करने और अनुमति देने में सक्षम है और इसे जनता को भी बता सकता है। यह हालांकि उसे पहले से ही एहसास था कि यह होने वाला है, जब उसने युनचे के शब्द सुने तो उसके चेहरे पर एक विरोधाभासी अभिव्यक्ति दिखाई दी।
वह थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, इस बूढ़े ने अभी कहा था कि आपके पास कोई भी अनुरोध करने की योग्यता है जो आप चाहते हैं। लेकिन दुष्ट शिशु शैतान सम्राट और शैतान देवताओं के समान है। ये सभी चीजें ईश्वर क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित करती है। वे सभी शैतान हैं, तो ऐसा क्यों है कि सीनियर ने स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट को कभी अस्वीकार नहीं किया, जो और भी अधिक डरावना है। यू चे ने ये शब्द स्पष्ट रूप से कहे, ये वही नहीं है शाश्वत स्वर्ग। भगवान सम्राट ने अपना सिर हिलाया। शैतान सम्राट शक्तिशाली है और भले ही हमने अपना सब कुछ दे दिया हो, हमें उसके खिलाफ जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर हम जीना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता उसके अधीन होना है। लेकिन दुष्ट शिशु के साथ कम से कम अभी भी संभावना है कि हम इसके मेजबान को नष्ट कर सकते हैं और इसे फिर से निष्क्रिय कर सकते हैं। मैंने ये पहले भी कहा है, उसका दिमाग दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र द्वारा अपहरण नहीं किया गया है। वह फैसले लेती है और आप जिस चीज को लेकर चिंतित हैं वह कभी पूरा नहीं होगा। ये वह दुष्ट शिशु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शाश्वत स्वर्ग, भगवान सम्राट ने कहा। इसने अतीत में हर सच्चे भगवान और सच्चे शैतान को नष्ट कर दिया और आदिम अराजकता के युग और संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। हर कोई जानता है कि इसकी शक्ति अस्तित्व में अंतिम और सबसे भयानक नकारात्मक शक्ति है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास है और यह भी विश्वास है कि यह स्वर्गीय वत सितारा भगवान को अपना स्वामी मानता है। लेकिन हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड मूल रूप से अन्य सभी स्टार देवताओं के बीच सबसे निर्दयी और रक्तपिपासु स्टार गॉड है। उसकी रक्तपिपासु और दुष्ट प्रवृत्तियां मूलतः असाधारण रूप से तीव्र थी। उसके हाथों कितने तारा देवता, चंद्रमा देवता, संरक्षक और ब्रह्मा राजा मारे गए। यहां तक कि चंद्रमा के देवता सम्राट को भी उसके द्वारा मार दिया गया था। यदि वह असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र द्वारा नियंत्रित नहीं हो रही थी तो ये सभी लोग उसकी अपनी इच्छा से मारे गए थे। यून चे ने अपना सिर हिलाया और नर्म और नम्र आवाज में कहा, अगर वह वास्तव में उस द्वेष और रक्तपिपासा से भरी हुई थी जिसके बारे में आपने बात की थी, तो उसने एक बार भी उपस्थिति क्यों नहीं दिखाई या ईश्वर क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति को इससे अधिक समय तक क्यों नहीं मारा? 3 साल। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट यू चे के शब्दों से स्तब्ध रह गए। अगर वह वास्तव में ब्रह्मांड में अराजकता लाना चाहती है जैसा कि आप डरते हैं, तो क्या सीनियर वास्तव में सोचता है कि ब्रह्मांड में कोई है जो उसे रोक सकता है? शाश्वत स्वर्ग, भगवान सम्राट की अभिव्यक्ति में मामूली बदलाव को देखते हुए यून चे ने आगे कहा, उसकी गति और खुद को छुपाने की क्षमता को उसके दुष्ट शिशु की शक्तियों को जागृत करने से पहले ही इस ब्रह्मांड में बेजोड़ माना गया था। यहाँ तक कि जब विशाल दक्षिणी दिव्य क्षेत्र ने उस पर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला किया, तब भी वह उनकी पकड़ से भागने में सफल रही। इन 3 वर्षों में ड्रैगन सम्राट के नेतृत्व में 3 दिव्य क्षेत्रों के राजा क्षेत्रों ने अपने बेहतरीन विशेषज्ञों की पूरी ताकत जुटाई है, लेकिन अंत में उन्हें उसके ठिकाने का एक भी निशान नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, जब तक वह अपनी इच्छा से सामने नहीं आती, उसके मिलने की संभावना लगभग शून्य है। उसे घेरने और नष्ट करने के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठा करने का तो जिक्र ही नहीं। क्या मैं सही हूँ? ... शाश्वत स्वर्ग, भगवान सम्राट स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए थे, लेकिन वह इसे अस्वीकार करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि जब सभी राजा ड्रैगन सम्राट के नेतृत्व में संगठित हो गए थे, तब भी वे जैस्मीन के वस्त्र के कोने को भी छूने में सक्षम नहीं थे। फिर यून चे की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, जैसे उसने कहा, उसकी वर्तमान शक्तियों को देखते हुए उसे केवल विभिन्न क्षेत्रों में घूमने और लोगों का नरसंहार करने की जरूरत थी। अगर वह अराजकता पैदा करना चाहती थी और अपनी दुर्भावना और रक्तपात को बाहर निकालना चाहती थी, सबसे पहले निचले, मध्य और ऊपरी तारा लोगों को एक तरफ रख दे। भले ही वह एक राजा क्षेत्र हो, वह थोड़े समय में अनगिनत लोगों की जान लेने में सक्षम होगी। इससे पहले कि आपके पास प्रतिक्रिया करने का समय हो, वह अपने कृत्य को पूरी तरह से छिपाने में भी सक्षम होगी। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 1 बार है, 100 बार है या 1000 बार है। मरने, डर में जीने या शून्य हो जाने के अलावा आप में से कोई भी वास्तव में उसके साथ क्या कर सकता है? ... दुष्ट शिशु के बारे में यून चे के शब्द बिल्कुल वही थे जो अनंत स्वर के देवता सम्राट के साथ साथ राजा क्षेत्र के सभी लोगों को इसके बारे में सबसे अधिक डर था। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं की है। क्या सीनियर सोचती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती है या क्योंकि वह ऐसा करने को तैयार नहीं है? शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में यू चे ने जो कहा था उसका खंडन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे।
उस समय दुष्ट शिशु के जागने के बाद इसने ब्रह्मांड को बहुत चौंका दिया और बाद में चंद्रमा देवता सम्राट को मार डाला, लेकिन तब से यह प्रकट नहीं हुआ था और न ही किसी को मारा था। फिर भी वे कभी भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि ये दुष्ट शिशु की परोपकारिता थी। इस समय युनचे के वृतांत को सुनने और उन शब्दों को सुनने के बाद जो उसकी सबसे बड़ी चिंताओं में बेरहमी से छेद कर गए, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के पास यह विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि स्वर्गीय वत्सटार भगवान वास्तव में प्रभारी थे, अन्यथा इसके लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं होगा। हालांकि मैं निचले लोकों में पैदा हुआ था, यह मेरे लिए बहुत स्पष्ट है कि ईश्वर क्षेत्र शैतानों से बहुत घृणा करता है और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे थोड़े समय में बदला जा सके। दुष्ट शिशु के प्रति उनका डर उनकी अस्थि मज्जा में इतनी गहराई तक घुस गया है कि ईश्वरीय क्षेत्र जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक शाश्वत भय और बेचैनी में रहेगा, भले ही वे मानते हों कि दुष्ट शिशु ने किसी को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट चकित रह गए। वह पहले से ही जानता था कि युनचे का मकसद दुष्ट शिशु को ब्रह्मांड में शांति से रहना था। वह नहीं जानता था कि युनचे ऐसा कुछ क्यों कहेगा, और इसलिए मैं वरिष्ठ और ईश्वर क्षेत्र को एक वादा करने में सक्षम हूँ। युनचे की अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। जो शब्द वह कहने वाला था वे शब्द उसके दिमाग में कई बार आए क्योंकि उसने एक महीने पहले पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र को छोड़ दिया था। शैतान सम्राट से संबंधित मामला सुलझ जाने के बाद दुष्ट शिशु हमेशा के लिए ईश्वर क्षेत्र छोड़ देगा। हम अपने जन्मस्थान के लिए प्रस्थान करेंगे जो वह ग्रह भी है जहां हम मिले थे और कभी वापस नहीं लौटेंगे। हम ईश्वर क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति को भी कभी नहीं मारेंगे जब तक कि ईश्वर क्षेत्र हमें पहले उकसाए नहीं। जैसा कि युनचे ने कहा था, जब तक दुष्ट शिशु ईश्वर क्षेत्र में मौजूद है, चाहे उसके इरादे कुछ भी हो, ईश्वर क्षेत्र के लोग हमेशा उससे भयभीत रहेंगे। नहीं वह यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि ईश्वर क्षेत्र के लोग इतने बड़े आतंक का सामना करने पर क्या करेंगे जिससे उन्हें कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है। कैजी के अलावा जैस्मीन के पास ईश्वर क्षेत्र को चूकने या उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक होने का कोई अन्य कारण नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा उसके साथ ब्लू पोल स्टार पर लौटने की थी। परिणाम स्वरूप ये सर्वोत्तम परिणाम था जो वह प्राप्त कर सका। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने जो कुछ कहा गया था उसे सुना, उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया और उत्साह से चिल्लाया, क्या आप गंभीर हैं? मेरे शब्द सोने के बराबर हैं और मैं अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। युनचे ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, यही उसकी भी इच्छा है। सीनियर को ये समझना चाहिए कि यह जूनियर अकेले उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मैं भी ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हम दोनों को भी सीनियर की जरूरत है जो हमसे एक वादा करे। पूर्वी दैवीय क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रतिष्ठा वाले देव सम्राट के वादे को सुरक्षित करने में सक्षम होना पहले से ही पर्याप्त था। निसंदेह वर्तमान युनचे वह व्यक्ति था जिसके बारे में शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट को जरा भी संदेह नहीं होगा। युनचे के शब्दों ने एक बार फिर शाश्वत स्वर्ग के भगवान सम्राट को द्रवित कर दिया। ये सही है, अगर दुष्ट शिशु ने वास्तव में भगवान के दायरे को हमेशा के लिए छोड़ दिया तो वह सिर्फ उसे बचा नहीं रहा था, वह एक बार फिर ईश्वर क्षेत्र को बचा रहा था। शैतान सम्राट और शैतान देवताओं के संकटों के बाद दुष्ट शिशु की बीमारी कुछ ऐसा जो लगातार उनकी आत्मा में कांटे की तरह बना हुआ था, इसी तरह हल हो जाएगा। क्या आप निश्चित हैं कि दुष्ट शिशु का इरादा भी यही है? शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट युनचे ने जो कहा था उसे सत्यापित करना चाहते थे और उनके स्वर में एक उत्तेजना थी जिसे दबाना उनके लिए असंभव था। मैं दृढ़ हूँ। युनचे ने सीधे शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की आंखों में देखा, उसका हर एक शब्द हवा में गूंज रहा था। वरिष्ठ शैतान सम्राट को विदा करने के बाद मैं उसके साथ ईश्वर क्षेत्र छोड़ दूंगा। मैं पूछता हूँ कि ईश्वर क्षेत्र के लोग उस ग्रह को कभी परेशान न करें जिस पर हम रहते हैं। युनचे अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट को अस्पष्ट रूप से बता रहा था कि भविष्य में वह अब लंबे समय तक ईश्वर के दायरे में नहीं रहेगा। अच्छा, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा अच्छा शब्द दोहराए जाने के बाद उन्होंने आगे कहा, यह पुराना फैसला करता है कि स्वर्गीय वत्सटार भगवान को असंख्य क्लेश के दुष्ट शिशु चक्र द्वारा नहीं लिया गया है और यह स्वर्गीय वत्सटार भगवान है, इस स्थिति में मालिक कौन है? इसके अलावा मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि वह ईश्वर क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ देगी। मैं शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट सार्वजनिक रूप से उस ग्रह के पास कभी नहीं जाने या उसे परेशान नहीं करने की शपथ भी लूंगा जिस पर दुष्ट शिशु निवास कर रहा है। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट वह व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने वादे निभाए। उनकी आवाज और उनका वादा जल्द ही पूरे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में गूंज उठेगा।
स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट ने वास्तव में अभी तक नहीं छोड़ा था और योचे ने भी अभी तक जैस्मीन के साथ नहीं छोड़ा था। अभी तक कुछ निश्चित नहीं था। परिणाम स्वरूप शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने वॉयस ऑफ इटर्नल हेवन का उपयोग नहीं किया जो पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को कवर करेगा। इसके बजाय उसने उसका उपयोग किया जो अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के ऊपर आकाश में गूंजता रहेगा। वर्तमान में 3 दिव्य क्षेत्रों के 13 देव सम्राट अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में एक साथ एकत्र हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ऊपरी तारा क्षेत्र के सभी राजा अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में भी एकत्र हुए थे। इसका मतलब ये था कि वह मूल रूप से संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में इसकी घोषणा कर रहा था। उनकी सार्वजनिक घोषणा यूनचे से किए गए वादे से अलग नहीं थी। हालांकि वह केवल शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता था, पूर्वी दिव्य क्षेत्र और ईश्वर क्षेत्र में शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट की प्रतिष्ठा और स्थिति दूसरों के लिए उसके शब्दों पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त थी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा अभी की गई सार्वजनिक घोषणा बिना किसी संदेह के भगवान सम्राटों और दिव्य गुरुओं के बीच बड़े पैमाने पर हलचल पैदा करेगी। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की तरह शैतान सम्राट और शैतान देवताओं के अलावा दुष्ट शिशु उनकी आत्माओं में एक और कांटा था जिसने उन्हें गहरे भय से भर दिया था। अब जबकि शैतान सम्राट और शैतान देवताओं दोनों के संकट हल होने वाले थे, दुष्ट शिशु सबसे बड़ी छुपी हुई बीमारी बन जाएगा। इस प्रकार अनंत स्वर्ग के ये शब्द जो अचानक हवा में गूंज उठे थे, उन सभी के दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगे। अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र को छोड़ने के बाद यूनचे ने लुप्त चंद्रमा दिव्य महल को बुलाया था जब उसे अचानक एक उपस्थिति महसूस हुई। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि जिया क्विंग्यू धीरे धीरे उसकी ओर चल रही है। क्या आप स्नो सोन क्षेत्र में लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं? जिया क्विंग्यू ने पूछा। हम, लेकिन मुझे पहले पूर्ण शुरुआत के ईश्वरीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, यूनचे ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने जिया क्विंग्यू की दिव्य आकृति को धीरे धीरे अपने करीब आते देखा। आपने एक शानदार कदम उठाया है, जिया क्विंग्यू ने नर्म स्वर में कहा। यूनचे की आंखें खुल गईं और उसने एक अजीब अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति की। क्या आप वास्तव में किसी की प्रशंसा करना जानते हैं? जिया क्विंग्यू ने उसके उपहास को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी चांद जैसी आंखें दूर की ओर देख रही थी, जो नीले ध्रुव तारे की दिशा भी लग रही थी। उस समय नव जागृत दुष्ट शिशु ने एक देव सम्राट के साथ साथ राजा के दायरे से संबंधित प्रमुख दिव्य गुरुओं के एक समूह को मार डाला था। ऐसी भयानक शक्ति ने एक अतुलनीय विशाल दहशत पैदा कर दी थी जिससे ईश्वर क्षेत्र में सभी के दिलों पर एक बहुत बड़ी छाया पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप उस अवधि के दौरान महान राजा क्षेत्रों के सभी शक्तिशाली लोग संगठित हो गए और ड्रैगन मोनार्क ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से दुष्ट शिशु के ठिकाने का पता लगाने के उनके हताश प्रयासों की कमान संभाली। ये सब इसलिए था ताकि वे उसे मारने के लिए किसी भी संभावित तरीके का उपयोग कर सके, जबकि उसकी शक्तियां अभी भी बहुत समाप्त हो गई थी और वह अभी भी भारी चोटों से पीड़ित थी। लेकिन अपनी लंबी खोज से कोई परिणाम नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपनी खोज में सहायता के लिए राजा के क्षेत्र के नीचे के सभी तारा मंडलों को बलपूर्वक संगठित करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि दुष्ट शिशु पूरी तरह से ठीक हो जाता तो उन्हें व्यावहारिक रूप से कोई मौका नहीं बचा था और जो उनका इंतजार कर रहा था वह किसी भी दुःस्वप्न से कहीं अधिक भयानक आपदा थी। हालांकि 3 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। वास्तव में 3रे वर्ष में राजा क्षेत्र ने वास्तव में अपनी सारी मूल शक्ति को याद कर लिया था और वे केवल उसकी खोज के दौरान ही कार्रवाई कर रहे थे। वे जानते थे कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि दुष्ट शिशु इस दौरान पूरी तरह से ठीक हो गया था। अवधि और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इस संभावना से डरते थे कि अगर उन्हें दुष्ट शिशु मिल गया तो वे खुद को मौत के घाट उतार देंगे। यूनचे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ये जानता हूँ और इसीलिए मैंने ईश्वर क्षेत्र को इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिया है। मैंने हम दोनों की ओर से ब्रह्मांड में कभी भी अराजकता नहीं लाने का वादा किया है और हमने ईश्वर लोक में कभी वापस नहीं लौटने की भी प्रतिज्ञा की है। इस तथ्य के साथ कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट भी इस अग्रिम के लिए सहमत हो गए हैं, इससे उनके पास भविष्य में जैस्मीन को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं रह जाता है। निसंदेह वे भी ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे। यूनचे ने शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट से जो शब्द कहे थे वे ऐसे कारण नहीं थे जो उसने यूं ही गढ़ लिए थे, वे ऐसे तथ्य थे जिनके बारे में ईश्वर सम्राट के स्तर पर हर कोई गहराई से जानता था। जैस्मीन की भयानक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ कुचल सकती है, साथ ही उसकी अतुलनीय गति और खुद को छुपाने की क्षमता को देखते हुए अगर वह वास्तव में दुनिया पर कहर बरपाना चाहती है तो कौन उससे निपटने में सक्षम होगा। यदि वह किसी को मारना चाहती थी, भले ही वह देव सम्राट जितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, तो कौन उससे हमेशा के लिए छुप सकेगा।
उस समय उन्होंने केवल जैस्मीन को इतने उन्मादी तरीके से खोजा था क्योंकि वह बुरी तरह थक गई थी और घायल हो गई थी। लेकिन अब जब जैस्मीन ठीक हो गई है, कौन सा राजा वास्तव में उसे उकसाने की हिम्मत करेगा। हालांकि जैसा कि राजा को पता है, ईश्वर क्षेत्र का शिखर उनके पास दुष्ट शिशु के प्रकट होने पर उसका शिकार करने और उसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, चाहे वे कितने भी भयभीत क्यों न हो। अन्यथा पूरे ब्रह्मांड को उन पर संदेह होगा। ऐसे में जैस्मिन के लिए पब्लिक में आना मुश्किल हो जाएगा। मूल रूप से रक्तपिपासु और निर्दयी दुष्ट शिशु, जिससे सभी लोग बहुत डरते थे, वह फिर कभी ईश्वर लोक में नहीं लौटेगा। इसके अलावा ईश्वर बाल मसीहा के वादे के साथ साथ सबसे प्रतिष्ठित शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का वादा निसंदेह ईश्वर क्षेत्र की सभी एकत्रित शक्तियों के लिए एक मुक्तिदायी दिव्य ध्वनि थी। यह उन राजा क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सच था जिनके पास दुष्ट शिशु को नष्ट करने की जिम्मेदारी थी, और इसलिए यूचे के वादे ने वास्तव में ईश्वर क्षेत्र को इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। आखिरकार इसमें कोई अंतर नहीं था कि दुष्ट शिशु ईश्वर क्षेत्र में मौजूद था या निचले क्षेत्रों में। इस तरह नीला ध्रुव तारा एक वर्जित विषय बन जाएगा जिसे ईविल शिशु के कारण ईश्वर क्षेत्र के सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जो कोई भी नीले ध्रुव तारे को अपमानित करने का साहस करेगा, वह निश्चित रूप से ईश्वर क्षेत्र के भय और क्रोध को भड़काएगा। दुष्ट शिशु वह था जिसने ईश्वर क्षेत्र छोड़ने का वादा किया था। जो कोई भी उसके निचले लोक को अपमानित करने और उसके क्रोध को भड़काने का साहस करता है, वह देव लोक में तबाही लाएगा। उन्होंने माना कि यदि कोई ऐसा करने का साहस करता है तो सभी देव सम्राट बाहर निकलने के लिए उत्सुक होंगे और उस व्यक्ति को स्वयं ही कुचल डालो। ये बहुत संभव है कि जैस्मिन और यूचे के ब्लू पोल स्टार पर लौटने के बाद तीन दिव्य क्षेत्र तुरंत किसी को भी उस स्टार क्षेत्र के पास जाने से रोक देंगे जिसमें ब्लू पोल स्टार था। स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता के बाहर लौटने वाला है और साथ ही वह उसे एकमात्र मार्ग को नष्ट कर देगा जिसका उपयोग शैतान देवता प्रारंभिक अराजकता में लौटने के लिए कर सकते हैं। शैतान सम्राट और शैतान देवताओं की विपत्ति पहले कभी भी नहीं भड़की थी और यह अत्यधिक उत्तम विधि पूरी स्थिति को समाप्त कर देगी। जिया क्विंग्यू ने धीरे धीरे जारी रखा, और आप ब्रह्मांड को बचाने वाले सच्चे स्वामी बन जाएंगे। निम्नतम चींटी से लेकर सर्वोच्च देवता सम्राट तक हर कोई आपका ऋणी होगा। आपसे जब तक ये प्रभामंडल मौजूद है, जो कोई भी आपको ठेस पहुंचाएगा वह पूरे ब्रह्मांड के क्रोध को भड़काएगा। दुष्ट शिशु ब्लू पोल स्टार तक आपका पीछा करेगा और कभी भी ईश्वर क्षेत्र में वापस नहीं आएगा। मेरा मानना है कि आप दोनों वास्तव में यही चाहते हैं और यही ईश्वर क्षेत्र को भारी बोझ से मुक्त करने की भी अनुमति देगा। साथ ही वह आपकी और नीले ध्रुव तारे दोनों की संरक्षक देवता बन जाएगी। जब ऐसा होगा, भले ही आपके पास ब्रह्मांड को बचाने का प्रभामंडल न हो, कोई भी आपको या नीले ध्रुव तारे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और यहां तक कि मैं भी आखिरकार बिना किसी चिंता के वापस जा सकूंगा। सब कुछ इतना उत्तम है और ऐसा लगता है कि इससे बेहतर अंत हासिल करना असंभव होगा। जिया क्विंग्यू ने धीरे से बात की और उसके होंठ एक असाधारण सुंदर चाप बनाने के लिए मुड़े। ऐसा लगता है कि वह चिंता और आशंका जो मुझे हमेशा महसूस होती थी अनावश्यक थी। शायद आपको सचमुच स्वर्ग की सुरक्षा प्राप्त है। हाँ, शायद यूं चेहरे से बहुत समय से उसे यह आराम महसूस नहीं हुआ था। आप कब वापस जाने का इरादा रखते हैं? वो दिन जब आप दुष्ट शिशु को वापस लाएंगे, जिया क्विंग्यू ने यूचे को अप्रत्याशित उत्तर दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप किस तरह के व्यक्ति के लिए बिना किसी पछतावे के मरने को तैयार होंगे और यहां तक कि पूरे ईश्वर क्षेत्र के लिए एक गंभीर प्रतिज्ञा भी करेंगे। ।। यूं चेने अपनी नाक रगड़ी और अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हें ईर्ष्या तो नहीं होगी? जब वह समय आएगा तो मुझे एक ध्वनि प्रसारण भेजना, याद रखें, जिया क्विंग्यू ने पीछे मुड़कर जाने से पहले कहा। उसका वर्तमान रवैया और वह भावना जो उसने यूचे को दी थी, वह उन सभी पिछली बार की तुलना में पूरी तरह से अलग थी जो वे मिले थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक भारी बोझ डाल दिया हो। उसकी उपस्थिति ने अपनी कुछ बर्फीली भयावहता खो दी और कुछ हद तक हासिल कर लिया अलौकिक अमर सौंदर्य। अरे हाँ, उसने अपना नाजुक सिर थोड़ा सा बगल की ओर घुमाते हुए कहा, गॉडचाइल्ड मसीहा शीर्षक वास्तव में एक अतुलनीय चमकदार प्रभामंडल है, लेकिन आपको इसे इतना अधिक सम्मान नहीं देना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति को ईश्वर बाल मसीहा की उपाधि से विभूषित करने के लिए ताकतवर लोगों की स्वीकृति और दान की आवश्यकता होती है। शीर्षक जितना दिखता है उससे कहीं अधिक नाजुक है।
जिस दिन आप पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेंगे तभी पूरी दुनिया में आपका सम्मान किया जाएगा और किसी को संदेह नहीं होगा कि आप ब्रह्मांड के सच्चे रक्षक हैं। यूं चेका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने जिया क्विंग्यू की पीठ की दूर की आकृति को देखा। ऐसा लगता है कि वह परेशान करने की इस आदत को कभी नहीं बदल पाएगी। मैं ये भी नहीं जानता कि उसने ये किससे सीखा। पूर्ण शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र। वह कियाने यंग र को एक बार फिर इस स्थान पर ले आए, लेकिन इस बार यू चे को स्काई पॉइजन पल की आभा को जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जैस्मीन ने उसके सामने आने की पहल की थी। चमेली। यू चे तेजी से आगे बढ़ा और उसके चेहरे की मुस्कान जैस्मीन को बहुत कुछ बताने के लिए काफी थी। उसने जैस्मीन की उत्कृष्ट आकृति को सीधे अपने सीने से लगा लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने तुम्हारे अस्तित्व की अनुमति दे दी है और वह तुम्हें फिर कभी अपमानित नहीं करेगा। इसके अलावा ये वादा सार्वजनिक भी कर दिया गया है, इसलिए आपको हार माननी होगी और मेरे साथ यह जगह छोड़नी होगी। वास्तव में जैस्मीन ने उसके आलिंगन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं किया बल्कि धीरे से अपना सिर उसकी छाती पर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मेरे पास सबूत है इसलिए आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। यू चे ने एक हल्की सी मुस्कान दी और एक छोटा और नाजुक साधारण गहन कल्पनाशील पत्थर निकाला। रिकॉर्ड की गई छवि और ध्वनि जारी करने से पहले उसने मुस्कुराहट के साथ इसे जैस्मीन के चेहरे के सामने लहराया। जैस्मीन ने एक ही नजर में पहचान लिया था कि उसकी आंखों के सामने की छवि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का मुख्य स्थान थी, लेकिन दृश्य महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में गूंजने वाली आवाज थी। वह अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की आवाज थी। हालांकि यह सिर्फ एक छवि थी, फिर भी ये प्रतिष्ठित गर्मी और गहरी भेदन शक्ति को महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दुष्ट शिशु को निचले लोकों में रहने की अनुमति देने का वादा किया था और उसे कभी नाराज न करने की कसम खाई थी। चमेली की काली तारों भरी आंखें बुरी तरह कांप उठी। वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट वह व्यक्ति था जो बुराई से बहुत नफरत करता था। हालांकि उसने ये वादा ज्यादातर इसलिए किया था क्योंकि वह उससे बेहद डरता था और उसने यूचे से जो पिछला वादा किया था उसे पूरा करना था। उन्होंने उन सिद्धांतों से बहुत बड़ा विचलन कर लिया था जिन पर वे हमेशा कायम रहे थे, जो कुछ ऐसा था जिसे करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। ये सिर्फ शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट नहीं है, यून चे ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मुझे लगता है कि मैंने शुरू से ही आपके प्रति उनके डर को कमाका था। जब शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने सार्वजनिक रूप से अपने वादे की घोषणा की तो मैंने मूल रूप से सोचा था कि कई लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और इस तरह के वादे पर सवाल उठाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लगभग सभी ने राहत के भाव दिखाए, जैसे कि उन्होंने कोई भारी बोझ लाद दिया हो। उन्हें अपने पुरखाओं के लिए इस बात के लिए धूप जलाना चाहिए कि तूने पहले जाकर उनको क्रोध नहीं दिलाया। आज उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी उसे देखते हुए भले ही आप सार्वजनिक रूप से सामने आए हो, ये निश्चित नहीं होगा कि वे आपको खत्म करने की कोशिश करने की हिम्मत करेंगे, लेकिन अब से तुम्हें मेरे साथ नीले ध्रुव तारे पर रहना होगा। शायद आप अपने शेष जीवन में कभी भी ईश्वर क्षेत्र में एक पैर भी नहीं रख पाएंगे। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी? हम्फ। चमेली ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और जैसे कि वह कुछ असंतुष्ट थी, नाराज स्वर में बोली, आपने मेरे लिए निर्णय पहले ही ले लिया है, मैं और क्या कर सकती हूँ। नीला ध्रुव तारा, गहरा आकाश महाद्वीप, मायावी दानव क्षेत्र, यू चे। चमेली की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई। क्या अब से वह सचमुच एक बार फिर नीले ध्रुव तारे पर लौट पाएगी? वह स्थान जिसके बारे में उसने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल उसके सपनों में दिखाई देगा, क्या अब कोई उनमें हस्तक्षेप और परेशान नहीं करेगा? ईश्वर क्षेत्र में ऐसा क्या था जिसे वह पीछे छोड़ना सहन नहीं कर सकती थी? उसकी पृष्ठभूमि, उसकी नफरत, वह क्या नहीं छोड़ सकती थी? क्या ये सच में कोई सपना नहीं था? तुम वही हो जिसने ये कहा था, यदि मैं जीत गया तो तुम भी मेरे साथ यह स्थान छोड़ दोगे और चाहे मैं कहीं भी जाऊं, तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे। मैं आपका कहा हुआ एक भी शब्द नहीं भूला। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और बहुत अच्छी खबर भी है। वह जैस्मीन के कान में झुक गया जब उसने स्वर्ग के शैतान सम्राट के फैसले को सुनाया, जिससे जैस्मीन बहुत देर तक स्तब्ध रह गई। उसकी सारी कठिनाइयां और परेशानियां हवा में बिखर गई थी, उसकी सारी आशाएं उसके सीने में इकट्ठी हो गई थी और उसका भविष्य असीम रूप से उज्जवल लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जिया क्विंग्यू ने कहा था, इससे बेहतर कोई परिणाम नहीं था। ठीक है, तो बस मेरे साथ आओ। ठीक है,
यू चे ने जैस्मीन के छोटे से हाथ को मजबूती से पकड़ लिया क्योंकि उसके मन में उसे तुरंत ब्लू पोल स्टार पर वापस लाने की असहनीय इच्छा महसूस हुई। उस स्थान पर जहां वे पहली बार मिले थे, वह स्थान जिसने उनके भाग्य को एक साथ मजबूती से बांध दिया था। ओ ठीक है, किंग्यू ने कहा कि वह तुम्हें देखना चाहती थी और हमारे साथ ब्लू पोल स्टार पर लौटना चाहती थी। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? चमेली ने अपनी निगाहें थोड़ी दूसरी ओर घुमा ली। उसने अचानक अपना छोटा सा हाथ हटा लिया जिससे वह मछली की तरह ही ऊंचे की पकड़ से फिसल गया। उसका शरीर भी उससे दूर हो गया। शैतानी ऊर्जा तेजी से भड़क उठी और उसने कहा, मैं अभी भी इस जगह को नहीं छोड़ सकती। यूनचे एक पल के लिए शून्य हो गया और उसके बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? आप अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, है ना? जैस्मीन ने उदास आवाज में कहा, जाने से पहले मैं एक बार फिर जाकर केजी को देखना चाहती हूँ। इस बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चुनूंगा। मैं शायद एकमात्र व्यक्ति नहीं होऊंगा जो समय आने पर आपके साथ ब्लू पोल स्टार तक वापस जाएगा। ।। यूचे, जिसे बहुत डराया गया था, ने तुरंत राहत की लंबी सांस ली। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या आप स्वयं को मृत्यु के लिए भेज रहे हैं? चमेली ने उसकी ओर आंखें घुमाई। वह जिस स्थान पर है वह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में सबसे भयावह और विभत स्थान है। यदि आप अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उस स्थान पर कदम रखते तो कियाने और मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यूचे, ओ, वह इस समय अपने जुनून में खोई हुई है, इसलिए यदि वह जाने को तैयार है तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। लेकिन अगर वह रुकने की जिद करती है तो मैं उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। जैस्मीन जानती थी कि जो खबर वह कैजी के लिए लाने वाली थी वह उसके लिए मुक्ति का एक रूप भी हो सकती है और यह कैजी को उस गहरी खाई से बाहर निकलने में भी मदद कर सकती है जो उसने अपने लिए बनाई थी। उसके बाद मैं खुद जाकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। अच्छा, यूनचे ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर खुशी से अपना सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने अपने चेहरे पर सतर्क भाव के साथ कहा, कुछ ही दिनों में मैं वरिष्ठ शैतान सम्राट को विदा करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इन अगले कुछ दिनों को ईश्वर क्षेत्र में बिताना चाहिए और मैं केवल वापस लौटूंगा। उसके बाद नीला ध्रुव तारा, यदि आप इस अवधि के दौरान मुझे ढूंढने का निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर क्षेत्र के अन्य निवासियों द्वारा नहीं खोजा जाना चाहिए। मुझे डर है कि आप उन्हें मौत तक डरा देंगे। हम्फ, जैस्मीन ने अपनी नाक ऊपर की ओर घुमाते हुए बहुत ठंडी और घमंडी आवाज में कहा, अगर मैं नहीं चाहती कि मुझे खोजा जाए तो उनमें से किसी के पास भी मुझे खोजने की क्षमता नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरी जैस्मीन स्वर्ग के नीचे बेजोड़ है, यूचे ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। एक बार जब हम ब्लू पोल स्टार पर लौटेंगे तो मैं आपको सबसे पहले अपनी बेटी को दिखाने ले जाऊंगा, आप निश्चित रूप से उसे पसंद करेंगे। हम, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले कि उसकी नजर अचानक कियाने यंग र पर पड़े, जैस्मीन ने एक हल्की सी हंसी भरी। जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखें केंद्रित हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी, वास्तव में तुमने इतने समय से उसे नहीं छुआ। यूं चे के चरित्र के बारे में उनकी समझ को देखते हुए यह मूल रूप से कुछ ऐसा था जो असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कियाने यंगर से कितनी नफरत और नाराजगी रखती थी, एक बात थी जिसे उसे स्वीकार करना था और वही ये थी कि उसका चेहरा और उसका शरीर देवी की उपाधि के बिल्कुल योग्य थे। यदि नहीं तो उसके भाई जैसा व्यक्ति इतना पागल नहीं होता कि वह उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता। ये सही है, यूचे चुपचाप जैस्मीन के करीब चला गया। उसका चेहरा पवित्रता और धार्मिकता से भर गया था क्योंकि उसका हाथ चुपचाप उसके स्तनों की हल्की सूजन की ओर बढ़ रहा था। मैंने अभी तक अपनी जैस्मीन को ठीक से प्यार भी नहीं किया है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वाह। जैसे ही उसने करुण विलाप किया, यूचे जैस्मीन की लात के बल से 5 किलोमीटर दूर उड़ गया। निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र को छोड़ने के बाद यूचे स्नो सोंग दायरे में लौट आए। आज स्नो सोंग क्षेत्र में उड़ती हुई बर्फ असाधारण रूप से कोमल और शांत थी। जब यूचे ने आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल में प्रवेश किया तो ये हमेशा की तरह शांत था। एक नजर से उसने म्यूफिक्सियो को चुपचाप अंदर खड़ा देखा, लेकिन उसने म्यू ज़ुएनिन को नहीं देखा। जूनियर सिस्टर फिक्सियो, यूनचे ने मुस्कुराते हुए उसका नाम पुकारा। उसका मन शांत था और वह अच्छे मूड में था। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान में भी एक अजीब संक्रामकता थी जिसने म्यूफिक्सियो को थोड़ा चकित कर दिया। क्या मास्टर यहाँ फिर से नहीं है? मास्टर को आज कुछ काम करना था इसलिए वह आसपास नहीं है, लेकिन उसे जल्द ही वापस आना चाहिए।
म्यूफेक्सियो ने कुछ अस्वाभाविक तरीके से अपना जैद चेहरा दूसरी ओर घुमाया और खिड़की से बाहर बर्फ को घूरते हुए देखा जो हवा में लहराती हुई विलो पत्तियों की तरह नाच रही थी। ओह, युनचे ने उत्तर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। तो फिर मैं यही मास्टर का इंतजार करूंगा। ओ ठीक है, फिक्स्यू, वुक्सिन को वास्तव में वह इटर्नल इमेजरी स्टोन पसंद है जो आपने मुझे दिया था और वह हर दिन इसमें बहुत सारी छवियां रिकॉर्ड करती है। ओह, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आप विशेष रूप से चाहते हैं? कम से कम मुझे आपका कुछ आभार व्यक्त करने दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तब तक ठीक है जब तक वह इसे पसंद करती है, म्यूफिक्स्यू ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। युनचे ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने एक महीने पहले ही सोचना शुरू कर दिया था कि म्यूफिक्स्यू को क्या देना है। वह जमीन पर बैठ गया, उसकी उंगली लगातार उसके गले में लटके ग्लेज्ड साउंड स्टोन को छू रही थी। म्यूफिक्स्यू ने अंततः पूछने की पहल करने से पहले कुछ बार उस पर नजर डाली, एक ग्लेज्ड साउंड स्टोन। युनचे का सिर झटके से ऊपर उठ गया और वह बेहद उत्साहित स्वर में बोला, ये सही है। ये कुछ ऐसा था जिसे वुक्सिन ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बनाया था, क्या यह अच्छा नहीं है? जैसे ही वह बोल रहा था, गहन ऊर्जा का एक धागा अनजाने में उसकी उंगलियों से रिसने लगा। तुरंत यू वुक्सिन की मधुर और कोमल आवाज ग्लेज्ड साउंड स्टोन से गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यूफिक्स्यू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तिरस्कृत युनचे केवल ग्लेज्ड साउंड स्टोन को नाराज होकर नीचे रख सका। जैसे ही वह चुपचाप इंतजार कर रहा था, उसकी नजर पानी के तालाब पर पड़ी जो हॉल के केंद्र में कभी नहीं जमता था। जैसे ही उसने उस तालाब में तैरते प्राचीन बर्फ सफेद फूल को देखा, वह गहरे अचंभे में पड़ गया। यह आइस फेदर स्पिरिट फ्लावर था जिसे उसने इतने साल पहले मिस्ट एंड वैली में म्यू जुआनिन के लिए तोड़ा था। तब से यह इस स्थान पर दिखाई देगा, उस बर्फीले कुंड के भीतर एकांत अस्तित्व बन जाएगा। इससे पहले कि उसे पता भी चले, तब से 7 साल बीत चुके थे, लेकिन वह मुरझाया नहीं था, अभी भी उतनी ही चमक से खिल रहा था जितना पहले खिलता था। जूनियर सिस्टर फिक्स्यू, युनचे को होश आया और उसने पूछा, आपने अभी कहा था कि मास्टर दूर थे क्योंकि उन्हें कुछ काम निपटाने थे, क्या आप जानते हैं कि यह किस बारे में है? म्यूफिक्स्यू ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें आइस फेदर स्पिरिट फ्लावर पर नजर डाल रही थी जिसे वह चुपचाप देख रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा, आज मास्टर और पैलेस मास्टर बिंगई उनके पिता की पुण्यतिथि है। हर साल इस दिन मास्टर और पैलेस मास्टर बिंगयुन जाएंगे और उन्हें अपना सम्मान देंगे। युनचे उस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके बाद उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं देखता हूँ। वह वर्षों से म्यू जुआनिन के साथ था, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं था। जैसे ही उसने म्यू जुआनिन और म्यू बिंगयुन की संबंधित उम्र के बारे में सोचा, युनचे ने लापरवाही से पूछा, मास्टर और पैलेस मास्टर बिंगयुन जैसे लोगों का पालन पोषण करने में सक्षम होने के लिए ग्रैंडमास्टर निश्चित रूप से एक बेहद उत्कृष्ट व्यक्ति रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि ग्रैंडमास्टर की मृत्यु वृद्धावस्था में हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया हो? ये सही है, म्यूफिक्स्यू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उस समय ग्रैंडमास्टर को उत्तरी क्षेत्र के कुछ शैतानों ने नुकसान पहुंचाया था और वे भाग गए थे। परिणामस्वरूप मास्टर और पैलेस मास्टर बिंगयुन के मन में शैतानों के प्रति अत्यधिक नफरत है और वे उन्हें देखते ही मार देंगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे को ऐसा लग रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो और उसका शरीर अचानक अकड़ गया हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी स्पष्ट रूप से असामान्य प्रतिक्रिया के कारण म्यूफिक्स्यू ने उस पर नजर डाली। इसी समय एक हल्की लेकिन ठंडी हवा उनके पास से गुजरी। म्यू जुआनिन पवित्र हॉल के दरवाजों के सामने एक बर्फ परी की तरह अलौकिक रूप से सुंदर लग रही थी, उसके चारों ओर छिटपुट रूप से गिरती हुई बर्फ गिर रही थी। मैं आदरपूर्वक मास्टर का स्वागत करता हूँ, म्यूफिक्स्यू ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। युनचे की प्रतिक्रिया 2 पूरी सांसों के बराबर म्यूफिक्स्यू की प्रतिक्रिया से धीमी थी। तभी वह जल्दी से नीचे झुका, उसकी हरकतें सख्त और सख्त थीं और उसने कहा, शिष्य युनचे ने गुरु को नमस्कार किया। म्यू जुआनयिन की बर्फीली आंखें युनचे की दिशा में घूम गईं। एक नजर में ही वह बता सकती थी कि उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने कहा, क्या हुआ? उसकी नाजुक भौहें आपस में जुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे ने ऊपर देखते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, इस शिष्य के पास मास्टर को बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार है। एक बार जब मास्टर यह खबर सुनेगी तो वह निश्चित रूप से इससे प्रसन्न होगी। फिक्स्यू, पहले निकलो, म्यू जुआनिन ने कहा। हाँ, म्यू फिक्स्यू ने धीरे से जाने से पहले उत्तर दिया।
आगे बढ़ो। म्यू जुआनयिन की बर्फीली आंखें सीधे युनचे की आंखों में घूर रही थी। वह अभी तक उसके स्पष्ट रूप से अजीब व्यवहार को नहीं भूली थी। युनचे थोड़ा संभलने में कामयाब रहे इससे पहले कि वह उन शब्दों को व्यवस्थित रूप से दोहराते जो हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने उनसे विस्तृत रूप से बोले थे। उन्होंने म्यू जुआनयिन को यह भी बताया कि अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में क्या हुआ था। उसके बाद उसने उसे दुष्ट शिशु के साथ जो कुछ हुआ उसका पूरा विवरण भी दिया। म्यू जुआनयिन चुपचाप सुनती रही कि उसे क्या कहना था क्योंकि उसके बर्फीले चेहरे पर बार बार तीव्र सदमा दिखाई दे रहा था। हालांकि उसने एक बार भी उसे नहीं टोका या उसकी बातों पर सवाल नहीं उठाया। एक बार जब युनचे ने सब कुछ बताना समाप्त कर लिया तो सेक्रेड हॉल तुरंत असाधारण रूप से लंबे मौन में डूब गया। म्यू जुआनयिन चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और वह बहुत देर तक न तो हिली और न ही कोई आवाज निकाली। क्या ये सब बातें सच है? म्यू जुआनयिन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो युनचे की खबर सुनने के बाद लगभग हर कोई पूछेगा। हाँ, युनचे ने गंभीरता से अपना सिर हिलाते हुए कहा। म्यू जुआनयिन के बर्फीले वस्त्र थोड़े से फड़फड़ा रहे थे और यह स्पष्ट था कि युनचे ने जो कहा था उससे वह अविश्वसनीय रूप से घबरा गई थी। जैसे ही वह उससे कुछ पूछने ही वाली थी जैसे ही उसने हॉल के बाहर देखा उसकी बर्फीली आंखें अचानक दूसरी ओर चली गई। उसके बाद उसने कहा, जाओ और ग्लेज्ड लाइट की छोटी राजकुमारी को देखो। आह, युनचे उसकी बातों से स्तब्ध रह गया। म्यू जुआनयिन ने कहा, आपकी शादी की तारीख अस्थायी रूप से अगले महीने के लिए निर्धारित की गई है। आह, इस नए रहस्योद्घाटन से युनचे और भी अधिक चौंक गया। इस समय एक युवा लड़की की खूबसूरत और अलौकिक आवाज ने उड़ती हुई बर्फ को लहराने पर मजबूर कर दिया और दूर से आवाज आई, बड़े भाई युनचे, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। युनचे आश्चर्य से इधर उधर घूमता रहा। यह आवाज आश्चर्यजनक रूप से शुई मेयिन की थी। उस युवा लड़की की आवाज के बाद दूर से शुई कियानहेन की आवाज भी सुनाई दी। ग्लेज लाइट के शुई कियानहेन अपनी बेटी को स्नो सॉन्ग रियलम किंग की यात्रा के लिए अपने साथ लाए हैं। तुम्हें जाना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज गिरी मुजुइन की आकृति पहले ही उस जगह से गायब हो गई थी। युनचे का लेखा जोखा उसे शुई कियानहेन की अचानक यात्रा का कारण समझने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही युनचे पवित्र हॉल से बाहर निकला उसने तुरंत ऊपर से सीधे उसकी ओर उड़ती हुई एक लड़की की उत्कृष्ट आकृति देखी। उसकी काली स्कर्ट हवा में लहरा रही थी और वह उड़ती बर्फ के बीच धीरे धीरे नाचती हुई एक काली तितली की तरह लग रही थी जब वह खूबसूरती से बर्फीली जमीन पर उतरी। बड़े भाई युनचे, एक छोटी सी छलांग के साथ वह आकर्षक ढंग से युनचे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने कहा, क्या तुमने मुझे याद किया है? उसकी आकर्षक आंखें दो नाजुक अर्धचंद्राकार आकृतियों में बदल गई। ही, युनचे ने सीधे चेहरे के साथ कहा, इस अवधि के दौरान मैं लगभग बुरी तरह से थक चुका हूँ इसलिए मुझे आपको याद करने का समय कहाँ मिलेगा। ओह, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। शुई मेयिन ने उल्टे चेहरे से युनचे की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें जो रात के तारों भरे आकाश की तरह लग रही थी एक अव्यक्त मोह से चमक रही थी और उसने आगे कहा, पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था कि शैतान सम्राट और शैतान देवता बिग ब्रदर युनचे की वजह से हमेशा के लिए प्रारंभिक अराजकता से बाहर रहेंगे। बिग ब्रदर युनचे ने ईश्वर क्षेत्र में सभी को बचाया है। जब डैडी को इसके बारे में पता चला तो वह भावना से अभिभूत हो गए। जिसने सब कुछ तय किया वह वरिष्ठ शैतान सम्राट था। मैंने वास्तव में बहुत कुछ नहीं किया, युनचे ने धीमी और अविचलित आवाज में कहा। यह स्पष्ट रूप से सबसे सही निष्कर्ष था, लेकिन हर बार जब वह जी युआन के फैसले और उसके द्वारा कहे गए शब्दों को याद करता था तो उसके दिल में जटिल भावनाएं पैदा होती थी जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। वाह, आप स्पष्ट रूप से मसीहा हैं जिसने पूरी दुनिया को बचाया है, फिर भी आप अभी भी इतने सौम्य और विनम्र हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई युनचे से अपेक्षा की गई थी, आप वास्तव में इस दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। शुई मेयिन की दुनिया में युनचे के बारे में हर एक चीज ब्रह्मांड में सबसे उत्तम लगती थी। जैसे ही उसने युनचे को देखा उसकी खूबसूरत घुमावदार आंखें अनगिनत चमकते सितारों की रोशनी से चमकने लगी। पिताजी ने कहा कि मैं अगले महीने बिग ब्रदर युनचे से शादी कर पाऊंगा और तब मैं बिग ब्रदर युनचे की छोटी पत्नी बन जाऊंगी। ये रखेल है, युनचे ने कुछ हद तक बेशर्म तरीके से उसे सही किया। अगले महीने तो क्या ये जुएर के साथ उसके समारोह से टकराएगा नहीं? उसने शुई मेयिन के मामले का जिक्र अपने माता पिता या केंग यू और उसकी पत्नियों से भी नहीं किया था। इसे भूल जाए, समय आने पर हम इस बारे में बात करेंगे।
भले ही शुई मेइन से शादी करने का मामला म्यू जुआनिन द्वारा जबरदस्ती तय किया गया था और उनसे शादी की तारीख के बारे में भी नहीं पूछा गया था, यू चे ने अनजाने में इस विचार के प्रति अपना सारा प्रतिरोध खो दिया था। जब भी वह शुई मेइन के साथ समय बिताता था वह हमेशा उत्साहित रहता था। आखिरकार किसी लड़की का आपके प्यार में पागल होना हमेशा एक खूबसूरत बात होती है। और तो और जिस लड़की की बात हो रही थी वह शुई मेइन थी, एक देवी जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती थी। आह, ये सब वैसा ही है। शुई मेइन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उसने प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया, मेरी माँ डैडी की सबसे कनिष्ठ रखेलों में से एक है, लेकिन वह सबसे ज्यादा लाड़ प्यार पाने वाली भी है, तो मैं भी माँ की तरह कड़ी मेहनत करूंगी। यू चे के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये बहुत स्पष्ट था कि शुई मेइन का व्यक्तित्व मुख्य रूप से उसकी माँ के कारण था। हालांकि जब मैं इस तथ्य के बारे में सोचता हूँ कि मुझे कई बड़ी बहनों के साथ रहने की जरूरत है जो बिग ब्रदर यू चे से भी प्यार करती हैं, तो मुझे थोड़ी घबराहट महसूस होती है। जब शुई मेइन ने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज नर्म हो गई थी। ऐसी स्थिति का सामना होने पर कोई भी महिला भयभीत महसूस करेगी, लेकिन उसकी आंखें तुरंत फिर से ऊपर की ओर मुड़ गईं और उसने कहा, लेकिन कोई भी बड़ी बहन जो बिग ब्रदर यू चे के योग्य है वह निश्चित रूप से दुनिया की सबसे उत्कृष्ट बड़ी बहन है, इसलिए मुझे और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है, मुझे माँ से भी ज्यादा मेहनती होने की जरूरत है। तुम हो ना, यू चे मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने आगे बढ़कर उसके चिकने और कोमल गालों पर चुटकी काट ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमेशा एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। हम्फ, मैं केवल 19 वर्ष का हूँ। बेशक मैं अभी भी बच्चा हूँ। शुई मेइन ने बहुत दृढ़ता से अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में बिताए 3000 वर्षों को बाहरी दुनिया में बिताए 3 वर्षों में बदल दिया था। उसके बाद उसने धीरे से अपने चेहरे को एक हाथ से रगड़ा, उसके चेहरे पर एक आनंदमयी झलक दिखाई दी और उसने कहा, बिग ब्रदर यू चे ने फिर से मेरे चेहरे को छुआ। आह, मुझे बहुत शर्म आ रही है। यून चे के मुंह के कोने मुड़ गए और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर दुष्ट भाव और उसने कहा, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हमारी शादी न हो जाए, फिर मैं दिखाऊंगा कि शर्मिंदगी महसूस करने का वास्तव में क्या मतलब होता है। अचानक आगे बढ़ने और यू चे के कान की ओर झुकने से पहले शुई मेइन ने कई बार जोर से पलके झपकाई। उसके बाद वह धीमी आवाज में फुसफुसाई, जैसे कि उसे डर हो कि अन्य लोग उसकी बात सुन लेंगे। उस समय जो व्यक्ति शर्मिंदा महसूस कर सकता है वह संभवतः बिग ब्रदर यू चे ही हो सकता है, क्योंकि मैंने सीखा है माँ से बहुत सारी चीजें, यू चे। लेकिन अंत में शुई मेइन अभी भी एक अलौकिक और अनुभवहीन लड़की थी, इसलिए जब उसने यू चे के कान में ये शब्द फुसफुसाए तो शुई मेइन के चेहरे पर पहले से ही एक हल्की लाली दिखाई दे चुकी थी। उसका नाजुक सिर थोड़ा झुका हुआ था और वह एक अविश्वसनीय आकर्षण प्रदर्शित कर रही थी। वास्तव में वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे देखकर यूनचे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। आपने अपने गले में ग्लेज्ड साउंड स्टोन क्यों पहना हुआ है? ये बहुत अजीब है, शुई मेइन ने एक पूरी तरह से असंबद्ध प्रश्न पूछा। यह शायद उस माहौल को हल्का करने के लिए था जो अचानक अस्पष्ट और उत्तेजक हो गया था। ओह, यह कोई साधारण ग्लेज्ड साउंड स्टोन नहीं है, यून चे ने कहा और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। यह दुनिया का सबसे मूल्यवान खजाना है। खजाना, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मेरी बेटी ने मुझे दिया है। उसने इसे पाया और इसे स्वयं तैयार किया और उसने इसमें अपनी आवाज भी रिकॉर्ड की, इसलिए भविष्य में चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं जब भी चाहूं उसकी आवाज सुन सकूंगी। जब उसने ये शब्द कहे तो उसने जो अभिव्यक्ति की और उसकी आंखों में जो अथाह गर्माहट दिखी, उससे शुई मेइन के लिए उससे दूर देखना मुश्किल हो गया। ओह, यह ऐसा ही है। शुई मेइन ने अनजाने में अपने होठों पर एक उंगली दबा दी, क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या उसे यू चे के लिए भी एक बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह वास्तव में पसंद आया हो। फिर क्या बिग ब्रदर यू चे की बेटी प्यारी है? वह अब कितनी बड़ी है? शुई मेइन ने बहुत ईमानदारी से पूछा। बेशक मेरी बेटी बहुत प्यारी है, तुम्हें वह जरूर बहुत पसंद आएगी। हम उसकी उम्र है, वह लगभग उतनी ही उम्र की है जब आप मुझसे पहली बार मिले थे, यून चे ने अचानक उदास महसूस करते हुए जवाब दिया। शुई मेइन स्पष्ट रूप से इस तथ्य से बहुत हैरान थी कि यू चे की बेटी पहले से ही इतनी बूढ़ी थी। उसने इसके बारे में थोड़ा सोचा और अचानक पूछा, फिर क्या उसे कोई लड़का मिला है जो उसे पसंद हो? बिल्कुल मेरे जैसा ही था। उस प्रश्न को सुनकर यून चे की भौहें नाटकीय रूप से नीचे की ओर झुक गईं और उसने कहा, नहीं, निश्चित रूप से नहीं। अगर किसी ने मेरी बेटी को इस तरह से देखने की हिम्मत की तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
जैसे ही उसने युचे के चेहरे पर क्रूर भाव देखा, शुई मेयिन ने पलकें झपकाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरे पिताजी ने इतने सालों पहले भी बिल्कुल यही बात कही थी। युचे टिल्ड 1%। उस समय शुई मेयिन के साथ संबंध के कारण प्रतिष्ठित ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से युचे से मुलाकात की थी और उसे जोर से कोसते हुए, जबकि उसने उस पर आरोप लगाने वाली उंगली उठाई थी। वह इतना क्रोधित हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बैल हो जिसके नितंबों में छुरा घोपा गया हो। वास्तव में वह उसे अपने नंगे हाथों से काटकर अलग करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था और उसके पास किसी उच्च क्षेत्र के राजा की राजसी उपस्थिति नहीं थी। उस समय युचे केवल दो शब्दों में शुई कियानहेन का वर्णन कर सकता था, एक पागल। अब जब उसे वह क्षण याद आया तब शुई कियानहेन का आचरण बहुत सामान्य था, बहुत सही, बहुत ही अनुकरणीय। वह बस इस बात का एक आदर्श था कि एक प्यार करने वाला पिता कैसा होना चाहिए। संक्षेप में, जो कोई भी मेरी बेटी के साथ प्रेमालाप करना चाहता है उसे पहले मुझे पीटना होगा। युचे अचानक अपना वाक्य बीच में ही रोक दिया। उसे अचानक आत्मविश्वास से बाहर महसूस हुआ, लेकिन उसने दुष्टता पूर्वक कहा, हम बात करने से पहले उसे मेरी जैस्मीन को हराना होगा। ओह, अप्रत्याशित रूप से युचे का दूसरा पक्ष देखने के बाद शुई मेयिन ने काफी देर तक उसे बहुत गंभीरता से देखा। उसके बाद वह मुस्कुराए और बोली, जब बिग ब्रदर युचे एक पिता के रूप में अभिनय कर रहे हैं तो वह भी बहुत आकर्षक है। आह, अब मैं तुम्हें और भी अधिक पसंद करता हूँ। युचे ने उन शब्दों को सुनकर अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। उसी समय शुई मेयिन अचानक आगे बढ़ी, एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक में प्रवेश कर गई। युचे के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था और उसने अचानक महसूस किया कि उसकी गर्दन से दिल को छू लेने वाली गर्मी फैल गई है। शुई मेयिन के जैद दांत उसकी गर्दन में धंस गए थे और वह बहुत जोर से काट रही थी, जिससे बहुत गहरे दांतों के निशान की एक छोटी सी पंक्ति पीछे छूट गई। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। युचे ने कुछ हद तक स्तब्ध होकर उसे देखा। उसने अवचेतन रूप से अपनी गर्दन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी त्वचा पर दांतों के निशान रह गए हैं और थोड़ी सी लार जो एक युवा लड़की की थी। जैसे ही उसने युचे की गर्दन पर छोड़ी गई कला के अद्भुत नमूने का निरीक्षण किया, शुई मेयिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसके बाद वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ही मैंने बिग ब्रदर युचे के शरीर पर सफलतापूर्वक एक छाप छोड़ दी है। आह, बिग ब्रदर युचे, जल्दी करो और इसे सील कर दो, तुम्हें इसे गायब होने की अनुमति नहीं है। युचे ने प्रसन्न स्वर में कहा, ये कुछ और नहीं हो सकता जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया हो, है ना? ये सही है, बिग ब्रदर युचे वास्तव में चतुर है। आह, जल्दी करो, जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। युचे उसके शब्दों से अवाक रह गई। उसके बाद उसने अपनी उंगली उसकी गर्दन की ओर उठाई और उस पर दांतों के निशान को सील करने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग किया। ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? मन शुई मेयिन ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा युचे की ओर उठाया और बहुत गंभीर स्वर में कहा, ये बिग ब्रदर युचे के शरीर पर वह निशान है जो केवल मेरा है, आप इसे जीवन भर मिटा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह .. ठीक है, ठीक है, ठीक है। युचे केवल इस बिंदु पर सहमत हो सकते थे। अभी बिग ब्रदर युचे की बारी है। ये शब्द कहते ही शुई मेयिन की मुस्कान और भी तेज हो गई। मुझे ये सही है। शुई मेयिन की उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं। गर्दन बर्फ की पहली गिरावट की तरह कोमल और नाजुक लग रही थी। जैसा कि उसने कहा, बिग ब्रदर युचे को भी मेरे शरीर पर एक निशान छोड़ने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह .. बिल्कुल नहीं, युचे ने उसे अस्वीकार कर दिया। आह, क्यों? मैं इस दुनिया का सबसे महान और सबसे उत्कृष्ट रक्षक हूँ, मैं ऐसी बचकानी हरकत कैसे कर सकता हूँ? युचे गुर्राया। दरअसल इसे बचकाना भी नहीं कहा जा सकता, ये सीधे तौर पर शर्मनाक था। ये अजीब छोटे खेल ऐसी चीजें थी जो उसने जियो लिंगजी के साथ अक्सर किया था जब वे 10 साल के हो गए थे, लेकिन जब वे 11 साल के हो गए तो उन्हें पहले से ही महसूस हुआ कि यह बचकाना था। शुई मेयिन पहले से ही 3000 साल से अधिक पुराना था, 3000 साल से अधिक पुराना। वो शुई मेयिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि उसके होंठ मुंह की ओर मुड़ गए। वह व्यथित स्वर में बोली, मैं अपनी माँ को बताने जा रही हूँ कि उनके दामाद ने कहा था कि वह बहुत बचकानी है। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। युचे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपकी माँ निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान वरिष्ठ महिला होंगी जो आपकी जैसी अच्छी बेटी का पालन पोषण करने में सक्षम होंगी। ये बिल्कुल स्वाभाविक है।
शुई मेन ने अपना नाजुक सिर झुकाते हुए कहा, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यू चे ने एक हल्की सी आह भरी जो तीन हद तक असहाय और तीन हद तक खुश करने वाली थी, लेकिन इनमें से किसी भी चीज से अधिक इसमें गर्मी की एक अवर्णनीय अनुभूति थी। वह नीचे झुका और शुई मेन के पास आया। जैसे ही वह उसके पास आया, उसकी हल्की सांसें शुई मेन के चेहरे से टकराई, जिससे उसके चेहरे से उसकी बर्फीली गर्दन तक हल्की सी लाली फैल गई और उसका दिल कई गुना तेजी से धड़कने लगा। मैं सचमुच तुम्हें काटने जा रहा हूँ। यून चे के होंठ लगभग उसके नाजुक कानों को छू चुके थे। उसकी नाजुक सफेद जेड गर्दन बर्फीली चमक से चमक रही थी क्योंकि वह उससे कई इंच की दूरी पर खड़ी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शुई मेन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर तनावग्रस्त और कठोर हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, यू चे ने पहले ही उसकी गर्दन पर काट लिया था। तुरंत ऐसा लगा मानो गर्म जेड का एक टुकड़ा उसके मुंह में प्रवेश कर गया हो, जिससे यू चे का पहले से ही हल्का काटने अनजाने में और भी हल्का हो गया। बात बस इतनी थी कि वह उस अजीब एहसास में डूबे बिना नहीं रह सका और कई सांसों के बाद ही उसने धीरे से अपने दांत अपनी गर्दन से दूर किए। जैसे ही उसने उस नाजुक और सुंदर जेड गर्दन पर छोड़े गए उथले दांतों के निशान का निरीक्षण किया, यून चे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? यून चे के शब्दों ने उस हतप्रभ लड़की को उसके खूबसूरत दिवास्वप्न से जगा दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और यून चे के दांतों के निशान को सील करने के लिए गहरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसकी उंगलियां दांतों के निशानों पर चुपके से फिर गईं, इससे पहले कि वह एक असंतोषजनक आवाज निकालती, हम तुम बहुत हल्के से काटते हो और तुमने मुझ पर इतनी लार भी गिरा दी। आह, ये बहुत बदबूदार है। -1% यू चे के मुंह का कोना मुड़ गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। मेरी लार बदबूदार नहीं है। इस समय उसकी आंखें अचानक दूसरी ओर चली गईं और उसने एक बहुत ही परिचित बर्फीली आकृति पर नजर डाली। न्यू बिंग्यून। वह गिरती हुई बर्फ के बीच चुपचाप खड़ी रही और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह अभी अभी आई है। पैलेस मास्टर बिंग्यून। यून चे ने जल्दबाजी में धनुष चढ़ाया, जबकि उसके दिल में एक विचार कौन था। उसने निश्चित रूप से यह नहीं देखा था कि अभी क्या हुआ है ना। आर्ग, कितना शर्मनाक। मेन सीनियर बिंग्यून का स्वागत करता है। शुई मेन ने भी उसे एक शाप दिया। मन, न्यू बिंग्यून ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर उनके शरीरों पर नहीं टिकी और उसकी आकृति आसमान छू गई। लेकिन उसके बाद वह अचानक बीच हवा में रुक गई और उसकी खूबसूरत बर्फीली आंखों पर एक जटिल नजर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अंत में उसकी नजर स्थिर हो गई और उसने पीछे मुड़कर कहा, यू चे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शुई मेन ने तुरंत कहा, आह, मुझे डैडी की तलाश करने और स्नो सॉन्ग रियलमकिन को भी अपना सम्मान देने की जरूरत है। उसकी आकर्षक छवि हवा में उड़ गई जब उसने यून चे को एक छोटी सी तेज लहर दी और कहा, बड़े भाई यू चे, मैं बाद में फिर से तुम्हारे साथ खेलने आऊंगी। शुई मेन उड़ती बर्फ के बीच चली गई, लेकिन वह शुई क्या नहीं इनको खोजने नहीं गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि यह बहुत संभव है कि शुई किया नहीं वर्तमान में स्नो सॉन्ग रियलमकिन के साथ उसकी और यू चे की शादी पर चर्चा कर रही थी। वह एक बेहद खूबसूरत बर्फ के पेड़ के सामने उतरी, लेकिन उसके सामने बर्फीले परिदृश्य की प्रशंसा करने का मूड नहीं था। उसकी उंगलियों ने एक बार फिर उसकी गर्दन पर छोड़े गए दांतों के निशानों का पता लगाया और वे बहुत लंबे समय तक वही रहे। इसके बाद उसके होंठ खुल गए। उसने धीरे से अपनी प्यारी जीभ बाहर निकाली, फिर चुपचाप अपनी जीभ की नोक पर एक उंगली रख दी। जैसे ही उसने यू चे का स्वाद चखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, एक प्रेत की तरह जो एक अद्भुत स्वप्नलोक में डूब गया था।